Disclaimer, this film is a work of fiction. Although inspired from real-life incidents, names, characters, places, events and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner, any resemblance to actual person, living or dead, or actual events is purely coincidental. Smoking causes cancer. Smoking kills. Consumption of alcohol is injurious to health. Nandu, hospital ke samne khade hoke fufu kar raha hai? Bibi bimar hai andar hai. Kya hua bhabhi ko? Wahi auraton wali bimari. Auraton wali bimari. खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। क्या लगा रॉकी मर गया? सोने को बंद कर निकलने में तपना तो पड़ता ही है। अगर सोचते हो कि अपन बुरा है तो तुम गलत सोचते हो। अपन बहुत बुरा है। उसके जीने का तरीका थोड़ा अलग है। वो उम्मीद पर नहीं, जिद पर जिया करता है। इंतजार दुनिया के 90% लोग कर रहे हैं। इसकी हाइप होने की वजह से ही इसके पहले पार्ट्स के राइट्स को करोड़ों में बेचा गया और खरीदा गया, क्योंकि ये एक एक्शन फिल्म है, राजनीतिक लड़ाई भी शामिल है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इसके डायरेक्टर प्रशांत नील लही होते और करण जौहर होते तो फिर ये फिल्म कैसी होती? अब ये एक्शन नहीं बल्कि रोमांटिक फिल्म बन जाती। जहाँ लड़ाई सोने की खदान को लेकर हुई, वहाँ लड़ाई तो होती लेकिन लड़की को लेकर होती, क्योंकि करण जौहर रोमांटिक फिल्मों के लिए ही जाने जाते हैं, उसके लिए फेमस है, और प्रशांत नील इसके अपोजिट एक्शन को स्क्रीन में उतारने के लिए माहिर है। लेकिन अब आप सोचें कि हमने इतने सारे डायरेक्टर में सिर्फ करण जौहर को ही क्यों चुना? तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि प्रशांत नील एक्शन पर काफी जोर देते हैं, उनकी कहानी का जो बेस होता है वो एक्शन सीन होता है। लेकिन अब हमारे करण जौहर की बात करें ना, उनकी खुद की जिंदगी में तो प्यार और इश्क है नहीं, लेकिन वो सब कसर वो अपनी फिल्मों में ही पूरी कर लेते हैं। उनकी फिल्मों का बेस प्यार इश्क मोहब्बत होता है। किसी एक्शन फिल्म की कहानी को भी करण एक रोमांस का रूप दे सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि KGF 3 को इस बार करण जौहर डायरेक्ट करेंगे। चलिए फिर करते हैं इन दोनों डायरेक्टर्स की अदला बदली। कहानी, डायलॉग, किरदार सब कुछ वही रहेंगे, बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर और उनका अंदाज। KGF 3 में एक्शन सीन तो भाई नाम के होते, लड़ाई होती लेकिन प्यार की और प्यार के लिए। जैसे कुछ कुछ होता है में सलमान और शाहरुख में काजोल को लेकर हुई थी, वो भी कोई लड़ाई थी क्या भला, इमोशनल ड्रामा था सिर्फ। लड़ाई देख लिए तो फिर KGF देखो। तो अगर KGF 3 को करण डायरेक्ट करते तो इसमें यश अधीरा को कहते कि अधीरा कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। लेकिन इस पर अधीरा क्या कहते सोचिए जरा। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस पर अधीरा यश को क्या कहते। वो कहते, ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना। तो सुनो आपने, ये फिल्म भी फनी हो सकती है, बस एक डायरेक्टर बदलने की जरूरत है। इसके बाद KGF 3 फिर एक्शन नहीं रोमांटिक थ्रिलर बन जाएगी। इसमें यश रोमांस ज्यादा और एक्शन करते तो कम दिखाई देते। तो अब वापस KGF 3 पर आ जाते हैं, जिसे प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें यश और संजय दत्त के साथ रवीना टंडन नजर आने वाली है। तो आज की थोड़ी सी अलग और अजीब वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही,
मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। कौन है फरमान, क्या है ईश्वरी और रॉकी का कनेक्शन, क्यों सलार का टीजर रॉकी के क्लाइमेक्स के टाइम ही रिलीज हुआ? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। जिस पल का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था वो अब आ गया है। प्रभास स्टारर सलार का टीजर गुरुवार सुबह 5:12 पर रिलीज किया गया है। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट दुगनी है। पहली बात तो ये प्रभास की फिल्म है और दूसरी की सलार का रिश्ता KGF से होने की पूरी संभावना है। फिल्म के पोस्टर्स ने पहले ही उत्सुकता बढ़ा रखी है, जहां डार्क थीम में प्रभास हाथों में हथौड़ा या कुल्हाड़ी लिए खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई रॉकी भाई के कुलार गोल्ड फील्स यानी KGF से सलार का कोई रिश्ता है? फैंस से लेकर फिल्मी पंडित बीते करीब 2 साल से इसको लेकर अटकले लगा रहे हैं। मजेदार बात यह है दोस्तों कि फैंस के साथ ही कुछ ट्रेड एनालिसिस भी टीजर रिलीज के समय का रिश्ता KGF से जोड़ रहे हैं। अब दोस्तों KGF और KGF 2 देखने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि डायरेक्टर प्रशांत नील कहानी को कोई भी नया मोड़ दे सकते हैं। उनके ट्विस्ट की झलक हम देख चुके हैं। दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर पकड़ रखने वाले ट्रेड एनालिस्ट मनोबल ने ट्विटर पर लिखा है कि सलार के टीजर रिलीज का समय 5:12 है। कहीं इसलिए तो नहीं कि KGF 2 के क्लाइमेक्स में जब रॉकी के जहाज पर समुद्र में हमला हुआ था तब भी घड़ी की सुइयों में यही वक्त हो रहा था? मनोबल आगे लिखते हैं, ऐसा लगता है कि ये प्रशांत नील का मास्टर प्लान है और सलार से KGF का कनेक्शन जबरदस्त है। जाहिर है ये कनेक्शन ऐसा है जो अगर सच हुआ तो सलार और KGF को लेकर अब तक आई सारी थ्योरीज आपस में मिल जाएंगी। दोस्तों जब से प्रशांत नील ने सलार की घोषणा की, जब से प्रभास और प्रशांत नील के साथ यश की तस्वीरें सामने आई और जब से ये बात सामने आई कि KGF फ्रेंचाइजी 5 पार्टों में बनेगी, कयासों का दौर चलने लगा है। हालांकि ये सब यूं ही नहीं है। सलार का मतलब होता है दोस्तों बॉडीगार्ड। अब अगर आपको KGF चैप्टर 2 का फरमान याद हो तो जरा गौर कीजिए। मजदूरों की टोली में फरमान वो लड़का था जो रॉकी की हिफाजत के लिए बंदूक लेकर पुल पर चला गया था। फरमान ने ही अधीरा को रोकने के लिए लकड़ी के पुल को आग लगाई थी। हालांकि बाद में ये दिखाया गया कि फरमान की मौत हो गई है, लेकिन उसकी लाश का चेहरा नहीं दिखाया गया। यहां तक कि फरमान की मां ने भी बेटे के शव को नहीं देखा था। अब कयास ये है कि फरमान जिंदा है और वही बड़ा होकर सलार बन गया है, यानी कि प्रभास। दोस्तों एक और दिलचस्प बात यह है कि KGF चैप्टर 2 में फरमान की मां का किरदार ईश्वरी राव ने निभाया है। प्रभास के सलार में भी ईश्वरी राव हैं। समझा ये जा रहा है कि रॉकी ने फरमान को अपना सलार बनाकर दूर देश भेज दिया। अब KGF 2 में रॉकी की जिंदगी के जिन 4 साल यानी कि 1978 से 1981 का हिसाब नहीं दिया गया है, कयास ये है कि इन 4 साल में ही रॉकी और उसके सलार का सारा खेल हुआ है। यहां तक कि समुद्र में जब रॉकी सारा सोना लेकर डूब रहा था तब वहां इंटरनेशनल वाटर में एक दो और दूसरे देश के जहाज आते देखे गए थे। वो जहाज और कोई नहीं बल्कि सलार लेकर आया था। वैसे दोस्तों खबर ये भी है कि रॉकी भाई यानी कि यश फिल्म सलार में एक कैमियो में नजर आएंगे। मजेदार बात यह है कि सलार के डायरेक्टर से लेकर क्रू मेंबर्स तक वही हैं जो KGF 2 का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सलार की कहानी कहीं ना कहीं KGF 2 से जुड़ी हुई है। चर्चा है कि प्रशांत नील KGF और सलार की दुनिया को जोड़कर एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने अपनी फिल्मों के साथ किया है। दोस्तों प्रशांत नील के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या धमाल मचाने वाले हैं, उसकी एक झलक सुबह 5:12 पर देखी जा चुकी है, जो हूबहू रॉकी की तरह ही वॉयलेंट लग रहा है। हम सलार को रॉकी का बॉडीगार्ड कह सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा ही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन। दोस्तों अमेरिका में माफिया का उदय गिरोह के जरिए अपराध तब शुरू हुआ जब इटली के कुछ गैंगस्टरों ने न्यूयॉर्क पहुंचकर एक गैंग बनाई और फिर वहां से शुरू हुआ माफिया गैंग। गैंग वॉर और अपराध की वो कहानी जिसकी आग में वर्षों तक अमेरिका झुलसता रहा। दोस्तों इन गिरोहों का कोई लीडर बॉसेस ऑफ ऑल बॉस कहलाया तो किसी को पब्लिक एनिमी नंबर 1 कहा गया। इनके खूनी वारदात से शहर हमेशा थर्राता ही रहा। इसे मुख्य तौर पर अल कपोन के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में जन्मे कपोन ईयर 1925 से लेकर 1931 के बीच शिकागो का सबसे बड़ा डॉन यानी कि माफिया था। कपोन अपनी जवानी के दिनों में जेम्स स्ट्रीट बॉयज गिरोह में शामिल हो गया था, जहां उसकी मुलाकात जॉनी टोरियो से हुई। यही जॉनी बाद में अपराध जगत में उसका गुरु बना था। दोस्तों जॉनी के साथ मिलकर कपोन शिकागो में अब शराब का धंधा करने लगा था। इस गैंग का मुख्य काम शराब का धंधा ही था।
तब इस काम में काफी पैसा था और प्रतिद्वंदी भी बहुत थे। आए दिन यहाँ गैंग वॉर में लोगों की मौत होती रहती थी। इन्हीं सब के बीच वो कांड हुआ जिससे कपोन को पब्लिक एनिमी नंबर 1 का खिताब मिल गया। दोस्तों, कपोन अपने एक प्रतिद्वंदी को मारने के लिए बड़ा खेल खेल गया। इसके गिरोह के आदमी नकली पुलिस बनकर दुश्मन गिरोह में घुस गए और लाइन से खड़ा करके सबको मशीन गन से भून दिया। इन हत्याओं को सेंट वैलेंटाइन दिवस नरसंहार कहा गया। इसके साथ ही इस पर कई और हिंसाओं का भी आरोप है। बाद में टैक्स चोरी के आरोप में सजा हुई, छूट कर आया तो अपराध की दुनिया में रुचि हो गई थी। गिरते स्वास्थ्य के बीच 1947 में हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हो गई। स्मार्टनेस और माफिया हिटमैन के तौर पर ये जाना जाता है। इसे एक खूंखार डकैत के तौर पर भी याद किया जाता है जिसके पास रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। ये एक ऐसा माफिया था जिसने आधुनिक बिजनेस में हाथ आजमाया था। ये शख्स जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचा तो 5 माफिया परिवारों में एक लुसियानो गैंग की स्थापना की जो बाद में जोनोवस परिवार के नाम से जाना गया। लुसियानो को आधुनिक क्राइम का जनक माना जाता है। दोस्तों, इसने अपने तेज दिमाग से पूरी तरह से संगठित अपराध की शुरुआत की थी। उस समय इससे शक्तिशाली कोई गैंगस्टर नहीं था। किसी भी वारदात को इसकी जानकारी के बिना अंजाम नहीं दिया जाता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी, लेकिन हो सकता है कि ये कहानी दोहराई जाए या इससे इंस्पायर्ड हो KGF 3। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही जाते जाते आपके लिए एक जरूरी बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और हाँ, जाते जाते इस वाले KGF का मतलब कोलार गोल्डफील्ड। इस नाम से तो हर कोई वाकिफ है और होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जिसने बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्मों को टक्कर दी है। ये तो सभी जानते ही हैं कि KGF एक टॉलीवुड मूवी है और KGF की पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो ये केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर विदेशों में भी काफी पॉपुलर मूवीज में से एक है। और मेरी माने तो KGF ये सब डिजर्व भी करती है। KGF मूवी एक एक्शन मूवी है जिसमें रॉकी नाम का एक कैरेक्टर होता है जो अपनी माँ को ये वादा करता है कि वो इस दुनिया का सारा सोना लाकर अपनी माँ को देगा और इस पूरी दुनिया पे राज करेगा। KGF मूवी को एक ही पार्ट में खत्म करना इसके डायरेक्टर प्रशांत नील को शायद ठीक नहीं लगा होगा। इसलिए KGF मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील KGF चैप्टर 1 के बाद KGF चैप्टर 2 का हिंट भी देकर चले गए थे। अब इतनी सारी ऑडियंस को पाकर KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील उसे इतनी आसानी से तो खो नहीं सकते थे। इसलिए शायद KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 को भी तैयार किया। अब KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील ये समझ चुके थे कि अगर ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना है तो मूवी के फर्स्ट पार्ट में मूवी के नेक्स्ट पार्ट आने का हिंट तो छोड़ना ही पड़ेगा। ऑडियंस खुद ब खुद थिएटर की ओर खींची चली जाएगी ऐसे में। और ऐसा लगा मानो KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील का ये आइडिया काम भी कर गया। KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 1 में KGF चैप्टर 2 का हिंट छोड़ा जिस कारण जनता KGF चैप्टर 2 देखने के लिए काफी एक्साइटेड थी। और ऐसे ही अब KGF चैप्टर 2 रिलीज हुआ, उसके बाद KGF चैप्टर 2 में भी KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील ने ऐसे ही चालाकी दिखाई और अपनी ऑडियंस को बरकरार रखने के लिए डायरेक्टर प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 2 में चैप्टर 3 का भी हिंट छोड़ डाला। अगर हम बात करें चैप्टर 1 की तो हम देखते हैं कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 का हिंट था, तो हम ये बात मान सकते थे कि KGF 2 में रॉकी का क्या रोल हो सकता था या रॉकी किस तरह से पूरी KGF अपने नाम कर सकता है। ऐसे बहुत सी बातें हम चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 के लिए एक्सपेक्ट करते थे और KGF चैप्टर 2 की कहानी भी इसी तरह की रही। और जनता ने चैप्टर 2 को जब देखा तब उनके मन में ये सवालों की पटरी पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया। लेकिन KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील को शायद ये बात कुछ हजम नहीं थी और उन्होंने KGF 2 के एंड में KGF चैप्टर 3 का हिंट दे दिया। पहले तो ऑडियंस ने KGF चैप्टर 2 देखी, तब सभी की आंखों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी और मन में एक ये सवाल भी उठा था, आखिर रॉकी इतनी जल्दी कैसे मर सकता है? अगर रॉकी मर गया तो KGF के सिर्फ 2 ही पार्ट थे, क्या रॉकी ने अपनी माँ से किया वादा अधूरा छोड़ दिया? ऐसे अनेकों सवाल जब जनता के मन में चल रहे थे उसी टाइम रॉकी को
पानी में डूबता हुआ दिखाने के बाद ये सीन दिखाया जाता है कि केजीएफ का चैप्टर 3 भी आएगा। अब जनता की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन जैसे केजीएफ 1 में केजीएफ 2 के लिए जनता के मन में सवालों के बौछार थे, ठीक उसी तरह चैप्टर 2 में अब चैप्टर 3 के लिए जनता के मन में सवाल रह गए थे। सवाल ये थे कि क्या हो सकती है केजीएफ की आगे की कहानी। आज हम आपके इन्हीं सवालों को दूर करेंगे। केजीएफ मूवी होम बाले मूवी के द्वारा तैयार की गई थी। पहले होम बाले मूवी एक स्मॉल मूवी इंडस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन कहते हैं ना दिन पलटते पता नहीं चलता, ऐसा ही कुछ होम बाले मूवी इंडस्ट्री के साथ भी हुआ। जब से होम बाले मूवी के अंतर्गत केजीएफ बनी, तब से मानो होम बाले मूवी की तो देश दुनिया ही बदल गई। हम आपको बता दें, एक टाइम ऐसा था कि केजीएफ मूवी को बनाने के लिए होम बाले मूवी इंडस्ट्री ने केजीएफ में लगने वाली कुल लागत, मींस टोटल जितना केजीएफ को बनाने में खर्चा आया था, उसका 90% होम बाले मूवी ने लोन लिया था। केजीएफ के बाद होम बाले मूवी के तो मानो दिन पलट से गए। आज होम बाले मूवी इंडस्ट्री के पास इतना पैसा है कि वो साल 2023 में लगभग 3 फिल्मों को आसानी से बना सकती है। केजीएफ मूवी तो मानो होम बाले मूवी इंडस्ट्री के लिए हॉलीवुड का वो ताला हो गई, जैसे मानो होम बाले मूवी के सामने मानो सोने की खान का रास्ता खुल गया। अब होम बाले मूवी के अंदर सालार, बगीरा, पुष्पा, बाहुबली और भी अन्य फिल्में बन रही हैं। सूत्रों की माने तो अब ये खबर मिली है कि होम बाले मूवी हॉलीवुड के साथ कोलैबोरेट कर सकती है। अगर हम बात करें केजीएफ 3 की, तो ऐसा माना जा रहा है कि चैप्टर 3 के डायरेक्टर यानी प्रशांत नील के जीएफ को पैरेंट मूवी बना रहे हैं, और प्रशांत नील का ये कहना है कि केजीएफ केवल कुछ हिस्सों में बंटकर दिखाई जाने वाली मूवी नहीं है, ये तो एक पूरा यूनिवर्स होने वाला है, और इसमें केवल केजीएफ ही नहीं बल्कि सालार वगैरह जैसी मूवीज भी इस यूनिवर्स का एक अहम हिस्सा होगी। अगर हम बात करें केजीएफ 3 की कहानी की, तो हम आपको बता दें कि केजीएफ 3 की कहानी अब की बार कुछ हटके होने वाली है। ऐसा हम नहीं बल्कि केजीएफ 3 के लीड एक्टर यश का कहना है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चैप्टर 3 की कहानी अब की बार बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। चैप्टर 3 के लीड एक्टर यश यानी नवीन कुमार गौड़ा का कहना है कि केजीएफ 2 में ऐसा बहुत से सीन रॉकी की लाइफ के रह गए थे, जिन्हें वो ना तो चैप्टर 1 में दिखा पाए और ना ही चैप्टर 2 में दिखा पाए, लेकिन अब की बार केजीएफ चैप्टर 3 में आपको ये सब देखने को मिलने वाला है। वहीं चैप्टर 3 के लिए लीड एक्टर यश यानी वही नवीन कुमार गौड़ा का यही कहना है कि चैप्टर 3 की आगे की कहानी के बारे में वो और केजीएफ के चैप्टर 3 के डायरेक्टर प्रशांत नील और चैप्टर 3 की पूरी टीम मिलकर मूवी के अगले पार्ट यानी चैप्टर 3 में क्या क्या दिखाया जाएगा इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर होम बाले मूवी के ओनर एस विजय ने भी ये जानकारी दी कि जल्द ही केजीएफ 3 की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले वो सालार बगीरा को रिलीज करेंगे। सूत्रों की माने तो चैप्टर 3 के एंड में रॉकी को जिंदा दिखाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि चैप्टर 3 में उस आदमी का खुलासा भी हो सकता है जो केजीएफ के रॉकी को केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों में ही मॉन्स्टर बताता है, और केजीएफ मूवी में पत्रकार आनंद इंगल दोनों ही पास यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों में ही एक आदमी से बात करते हैं, और वही आदमी केजीएफ के रॉकी भाई का किस्सा उन्हें सुनाता है। वो आदमी आनंद से कहता है कि रॉकी कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि वो तो मॉन्स्टर है। और अगर हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की बात करें, तो इन दोनों में ही चैप्टर 1 केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर नहीं किया है, और ना इस कैरेक्टर के बारे में प्रशांत नील ने ये बताया है कि वो आदमी कौन होगा और वो ये सब कैसे जानता है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद चैप्टर 3 में प्रशांत नील इस आदमी के बारे में कुछ दिखाएंगे और इस आदमी की सच्चाई का खुलासा किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि केजीएफ चैप्टर 3 साल 2025 तक रिलीज हो सकती है। क्या आपको इंतजार रहेगा चैप्टर 3 का, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। क्या होगी केजीएफ 3 की कहानी,
कब आएगी KGF 3? कौन सा होगा नया रोल एड? साल 2022 में अप्रैल में अभिनेता यश की KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, जिसके बाद होमले फिल्म के निर्माता विजय ने एक घोषणा की थी। जैसा कि KGF फिल्म का तीसरा पार्ट बनाने की घोषणा की जा चुकी है, KGF चैप्टर 3 को लेकर डायरेक्टर विजय ने कहा है कि KGF चैप्टर 3 फिल्म को, जो कि रोस्टर का हिस्सा था, उन्होंने आगे कहा था कि इस फिल्म को साल 2022 के अक्टूबर या नवंबर की शुरुआत में सिनेमाघरों में लाने की सोच रहे थे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए यश ने अपने KGF लुक को नहीं बदला है, वो आज भी लंबे बाल और दाढ़ी के साथ ही नजर आते हैं। कहानी के अंतिम चैप्टर को देखने के बाद फैंस ने अनुमान लगाया था कि अभिनेता इस फिल्म की थर्ड सीरीज लेकर भी आ सकते हैं। अब विजय ने खुलासा कर दिया है कि KGF चैप्टर 3 आखिर कब रिलीज हो सकती है। डायरेक्टर विजय का कहना है कि KGF चैप्टर 3 शूटिंग साल 2025 में शुरू होगी, जिसका मतलब ये है कि फिल्म साल 2026 में सिनेमाघरों में दिखाई देगी। जी हाँ, डायरेक्टर ने बताया है कि KGF फ्रेंचाइजी के साथ काम करना जल्दी चालू करेंगे। इसमें कई पार्ट्स दिखाए जाएंगे, जैसे कि जेम्स बॉन्ड फ्लिक, यहाँ तक कि फिल्म में मुख्य किरदार के बदलाव पर भी विचार किया जा सकता है। निर्माता ने बताया है कि फिल्म के चैप्टर 3 में 70 के दशक का अंत और 80 के दशक की शुरुआत दिखाई जाएगी। इसके अलावा उम्मीद ये भी है कि किरदार की मौत नहीं होगी। 4 साल बाद KGF चैप्टर 2 ने दुनिया भर में 1200 करोड़ के पार जाने के साथ फ्रेंचाइजी को एक बड़ा ब्रांड बना दिया। दर्शकों के इतने प्यार के साथ यश के अलावा किसी और को रॉकी का किरदार निभाने की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन विजय ने इसे लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। विजय ने खुलासा किया है कि KGF चैप्टर 3 के लिए प्री प्रोडक्शन का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल डायरेक्टर प्रशांत नील व्यस्त है, इसलिए देरी हो रही है। उन्होंने कहा है कि तीसरे पार्ट के 2025 में रिलीज होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, ये भी बताया है कि KGF को 5 पार्ट्स में बनाने की तैयारी है। ये भी संभव है कि KGF 5वें पार्ट से भी आगे चले। कहा ये भी जा रहा है कि 5th पार्ट के बाद रॉकी भाई के रूप में आप किसी और को देख सकते हैं। उन्होंने कहा KGF फ्रेंचाइजी में संभव है कि 5वें पार्ट के बाद कोई और हीरो रॉकी भाई का रोल प्ले करे, ठीक जेम्स बॉन्ड सीरीज की तरह, जैसे हीरो बदलते रहते हैं। अब इस बात में क्या सच है और क्या झूठ, ये देखने लायक होगा। आपको बता दें कि फिलहाल रॉकी को इस फिल्म की कहानी बताई गई थी जो उन्हें पसंद नहीं आई थी, उन्होंने इसे चेंज करने को कहा था। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? Let us know in the comment section. वेटर कहता है हाँ क्यों? इतनी सी बात सुनकर उसका दोस्त कुछ नहीं कहता और वेटर को कहता है कि चल मैं चलता हूँ। फिर वेटर का दोस्त ये बात पूरे बनारस में फैला देता है कि बनारस में हाजी मस्तान आया हुआ है। हाजी मस्तान का नाम उस टाइम बहुत ही फैला हुआ था और हाजी मस्तान का नाम सुनते ही बनारस के लाखों लोग हाजी मस्तान को मिलने आते हैं। होटल के चारों तरफ भीड़ ही भीड़ होती है, लोग हाजी मस्तान को मिलते हैं और बेहद खुश होते हैं। इतनी भीड़ को देखकर एक आदमी होटल के पास से गुजर रहा होता है तो वो इतनी भीड़ को देखकर भीड़ में खड़े एक आदमी को बुलाता है और उसे पूछता है और कहता है यार एक बात बताओ, आज इस होटल के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, कोई हीरो आया है क्या? तब भीड़ में से आया हुआ आदमी कहता है हीरो नहीं लेकिन हीरो जैसा ही है, हाजी मस्तान आया हुआ है। अनजान आदमी कहता है हाजी मस्तान ये कौन है? भीड़ से बाहर आया आदमी कहता है तुम हाजी मस्तान को नहीं जानते? अरे ये मुंबई का बहुत बड़ा गुंडा है। इतनी बात बोलकर दोनों चले जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका में माफिया का उदय गिरोह के जरिए अपराध तब शुरू हुआ जब इटली के कुछ गैंगस्टरों ने न्यूयॉर्क पहुंचकर एक गैंग बनाई और फिर वहां से शुरू हुआ माफिया गैंग, गैंग वॉर और अपराध की वो कहानी जिसकी आग में वर्षों तक अमेरिका झुलसता रहा। दोस्तों, इन गिरोहों का कोई लीडर बॉसेस ऑफ ऑल बॉस कहलाया तो किसी को पब्लिक एनिमी नंबर 1 कहा गया। इनके खूनी वारदात से शहर हमेशा थर्राता ही रहा। इसे मुख्य तौर पर अल कपोन के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में जन्मे कपोन ईयर 1925 से लेकर 1931 के बीच शिकागो का सबसे बड़ा डॉन यानी कि माफिया था। कपोन अपनी जवानी के दिनों में जेम्स स्ट्रीट बॉयज गिरोह में शामिल हो गया था, जहां उसकी मुलाकात जॉनी टोरियो से हुई। यही जॉनी बाद में अपराध जगत में उसका गुरु बना था। दोस्तों, जॉनी के साथ मिलकर कपोन शिकागो में अब शराब का धंधा करने लगा था। इस गैंग का मुख्य काम शराब का धंधा ही था।
तब इस काम में काफी पैसा था और प्रतिद्वंदी भी बहुत थे। आए दिन यहाँ गैंग वॉर में लोगों की मौत होती रहती थी। इन्हीं सब के बीच वो कांड हुआ जिससे कपोन को पब्लिक एनिमी नंबर 1 का खिताब मिल गया। दोस्तों, कपोन अपने एक प्रतिद्वंदी को मारने के लिए बड़ा खेल खेल गया। इसके गिरोह के आदमी नकली पुलिस बनकर दुश्मन गिरोह में घुस गए और लाइन से खड़ा करके सबको मशीन गन से भून दिया। इन हत्याओं को सेंट वैलेंटाइन दिवस नरसंहार कहा गया। इसके साथ ही इस पर कई और हिंसाओं का भी आरोप है। बाद में टैक्स चोरी के आरोप में सजा हुई, छूट कर आया तो अपराध की दुनिया में रुचि हो गई थी। गिरते स्वास्थ्य के बीच 1947 में हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हो गई। स्मार्टनेस और माफिया हिटमैन के तौर पर यह जाना जाता है। इसे एक खूंखार डकैत के तौर पर भी याद किया जाता है जिसके पास रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। ये एक ऐसा माफिया था जिसने आधुनिक बिजनेस में हाथ आजमाया था। ये शख्स जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचा तो 5 माफिया परिवारों में एक लुसियानो गैंग की स्थापना की जो बाद में जेनोवस परिवार के नाम से जाना गया। लुसियानो को आधुनिक क्राइम का जनक माना जाता है। दोस्तों, इसने अपने तेज दिमाग से पूरी तरह से संगठित अपराध की शुरुआत की थी। उस समय इससे शक्तिशाली कोई गैंगस्टर नहीं था। किसी भी वारदात को इसकी जानकारी के बिना अंजाम नहीं दिया जाता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी, लेकिन हो सकता है कि ये कहानी दोहराई जाए या इससे इंस्पायर्ड हो KGF 3। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही जाते जाते आपके लिए एक जरूरी बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। और हाँ, जाते जाते इस वाले वीडियो को का माफिया था जिसने टोटोरिना को ऑर्डर्स दिए कि वो कार्लियन के माफिया फैमिली के हेड माइकल नवारा को जान से मार दे। टोटोरिना लेगियो के ऑर्डर्स मान लेता है और उसे मार डालता है। नवारा की डेथ के बाद लेगियो 1958 में क्राइम फैमिली का नया बॉस बन जाता है। वो अपनी गैंग में टोटोरिना और भी ना जाने कितने मेंबर्स को अपने आदमियों के तौर पर रख लेता है और इसी के चलते ये सभी लोग माइकल नवारा के मर्डर में शामिल थे। जब पुलिस ने माइकल नवारा के केस की छानबीन करनी शुरू की तब टोटोरिना लेगियो और प्रोवेंजो के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाले गए जिसके बाद ये तीनों 1960 की शुरुआत में कंट्री छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है फिल्म KGF 3 की। कोई ना कोई खतरा मंडराता रहता है, कोई ना कोई जान के पीछे पड़ा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ये कहानी क्यों दोहरा रही हूँ। तो दरअसल बात यह है कि KGF के मेकर्स वापस से हमारे लिए KGF का एक सीक्वल लेकर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए रॉकी के सफर से फिर से जुड़ने के लिए। और इसी के साथ साथ इस कहानी में ऐसा दिखाया जा सकता है कि रॉकी एक बहुत ही गरीब बच्चा है जिसका जन्म एक नाबालिग लड़की के कोख से हुआ है। ये लड़की इसे जन्म देते ही छोड़ देती है और बचपन से ही ये अकेला रहता है, काफी सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना जीवन जीता है। इसकी माँ की मौत इसे बेखौफ बना देती है और अपनी जीवन के हर कठिनाई का सामना करते हुए रॉकी अपनी लड़ाई में, अपनी जीवन की लड़ाई में अपनी जीत का परचम लहराता है। इसी के साथ ऐसा भी दिखाया जा सकता है, जैसा कि आपने मूवी में देखा कि रॉकी अपना पैसा तो काले तरीके से कमाता है लेकिन वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता है, उनके लिए बहुत कुछ करता है। तो इसी तरीके से जब रॉकी छोटा था तो वो मजदूरी का काम करता था। एक दिन काम करते करते वो शिव मंदिर में पहुंच जाता है और वहां पर उसे एक आदमी अपना यूनियन ज्वाइन करने का ऑफर देता है। अब ये यूनियन भरा होता है बहुत ही सारे शहर के नामी गिरामी लोगों से, पैसे वाले लोग, काफ़ी ज़्यादा पहुँच वाले लोग। रॉकी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है लेकिन उसकी कठिनाइयाँ बढ़ती ही जाती हैं। एक बार शहर में दंगे फैलते हैं और इसमें रॉकी बहुत ही अहम किरदार निभाता है जिसमें वो इस लड़ाई में शामिल होता है और कठिनाइयों के साथ जीत कर उभर कर बाहर आता है, जिसके बाद इस यूनियन की बहुत बड़ी ताकत रॉकी होता है और रॉकी ही इस यूनियन को चलाता है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रॉकी अपने लोगों के लिए बहुत प्यार रखता है, तो वो अपने लोगों के बच्चों के लिए एक स्कूल ओपन करता है और यहाँ तक कि गरीब लोगों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ सकते हैं, वो भी बिना किसी फीस के। जी हाँ, निःशुल्क। तो वो अपने लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, उसके सारे लोग उसे मसीहा मानते हैं। फिल्म में भी आप देखेंगे कि रॉकी किस तरीके से आउट ऑफ द वे जाकर अपने लोगों की मदद करता है। ये रॉकी भी कुछ इसी प्रकार का है और अपने लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। अब मूवी में आपने देखा कि रॉकी की तो मौत हो गई, वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन उसके लोग आज भी उसे मसीहा मानते हैं। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है जहां पे हमें एक बच्चे के एक गैंगस्टर बनने की कहानी दिखाई जाएगी। अब
देखते हैं कि मेकर्स इस मूवी में हमारे लिए क्या नया लेकर आते हैं और आप कितने एक्साइटेड हैं केजीएफ 3 के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टारर केजीएफ चैप्टर 2 आज एक साल का हो गया है और इस अवसर पर प्रोडक्शन हाउस होमबले फिल्म्स ने केजीएफ फ्रेंचाइजी की तीसरे पार्ट के बारे में एक बड़ा संकेत दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया था और इसमें यश के अलावा संजय दत्त और रवीना टंडन भी थे। केजीएफ 3 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट अधिक दूर नहीं है, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात ये है कि फैंस प्रभास की सालार के साथ क्रॉसओवर की अटकलें लगा रहे हैं और प्रभास का सालार में कैरेक्टर नेम भी रिवील हो गया है जो देवा है। केजीएफ फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 2018 में आई थी, लेकिन इसने महामारी के वक्त पैन इंडिया दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल की जब फिल्म OTT पर उपलब्ध थी। फिर फैंस ने दूसरे भाग के लिए सांस रोक कर इंतजार किया और इसने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया क्योंकि KGF 2 उम्मीद से बेहतर फिल्म थी। ट्विटर पर होमबले फिल्म्स ने KGF चैप्टर 2 के एक साल पूरे होने का जश्न मनाया और KGF 3 के बारे में एक बड़ा खुलासा किया। दोस्तों, होमबले फिल्मों के पोस्टर के साथ एक छोटा वीडियो क्लिप साझा किया गया जिसमें एक बड़ा सवाल था, 1978 से 1981 तक रॉकी कहाँ था। वहां पोस्ट में लिखा था, सबसे शक्तिशाली आदमी KGF 2 की अमेज कैरेक्टर्स और एक्शन के साथ एक यात्रा पर ले गया जिसमें सिनेमा का एक इंटरनेशनल फेस्टिवल मानना, रिकॉर्ड तोड़ना और दिल जीतना शामिल रहा। यहाँ अब इस कहानी को एक वर्ष हो गया है। जैसे ही उन्होंने KGF 3 के बारे में हिंट दिया, तब से ही फैंस ने अपने एक्साइटमेंट शेयर करने के लिए टिप्पणियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने प्रभास के साथ एक मल्टीवर्स बनाने का अनुरोध किया। उसने लिखा, कृपया मल्टीवर्स को सालार के साथ बनाए क्योंकि सालार को भी होमबले फिल्म्स द्वारा निर्देशित और प्रशांत नील द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। एक अन्य ने लिखा, #सालार #रॉकी इन KGF 3 एवर बिफोर मेंटल मास्क लोडिंग। एक अन्य ने टिप्पणी की, ये गोटेस्ट फिल्म है। एक अन्य एक्साइटेड फैन ने लिखा, शुक्र ये हो रहा है। एक ने कहा, मैं बॉक्स ऑफिस के उन रिकॉर्डों को अब से टूटते हुए देख सकता हूँ। क्या आप लोगों को लगता है कि हमें KGF 3 और सालार यूनिवर्स मिलेगी? आप इस छोटे लेकिन धमाकेदार संकेत के बारे में कितने उत्साहित है ये हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। अंत में रॉकी की टीम को पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें सोने की तस्करी का दोषी ठहराया गया और लंबी जेल की सजा सुनाई गई और इलीगल हथियार से लेकर गोल्ड तक किसी भी चीज को रॉकी सीमा पार करा सकता था। रॉकी सालों से इस व्यवसाय में है और उसने बहुत पैसा कमाया है, लेकिन उसे हमेशा सावधान रहना पड़ता है, लेकिन उसे पकड़े जाने का बिल्कुल डर भी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में उनके पास कई करीबी कॉल आए जिससे उसे एहसास हुआ कि वो पकड़ा जा सकता है। एक संपर्क से एक गुप्त सूचना मिली कि गोल्ड की एक खेप जो पुलिस द्वारा रोकी जाने वाली है। रॉकी जानता था कि इससे उसके करियर का अंत हो सकता है, इसलिए उसने कठोर कदम उठाने का फैसला लिया। ऐसे ही दूसरे देशों में गोल्ड की स्मगलिंग होती गई, ऐसी ही कहानी KGF 3 में हो सकती है। आपको इस बारे में क्या कहना? क्या बाहुबली एक्टर की हुई एंट्री? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, KGF चैप्टर 3 जिसका इंतजार कर रही है पूरी दुनिया, फैंस पलके बिछाए बैठे हैं कि कब इसकी बड़ी अपडेट सामने आए। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म से जुड़ी कुछ बुरी और अच्छी खबरें। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्रशांत नील जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो चाहते हैं कि अब कन्नड़ इंडस्ट्री के अलावा और इंडस्ट्रीज को भी एक्सप्लोर किया जाए, इसीलिए वो तेलुगु फिल्म सलार को डायरेक्ट करने वाले हैं जो कि पैन इंडिया फिल्म है और इसमें प्रभास नजर आएंगे। इसके अलावा वो जूनियर NTR के साथ भी एक फिल्म करने वाले हैं। इसके अलावा रॉकी भाई खुद बिजी हैं। यश 19 और यश 20 आने वाली है। यश 19 में शिप के कैप्टन बने नजर आएंगे रॉकी भाई। इसके अलावा 2024 की कमिटमेंट्स
तो बुक है क्योंकि प्रशांत नील खुद बिजी है, रॉकी अपनी फिल्मों में बिजी है, यानी कि साल 2025 या 2026 तक ही ये फिल्म आ पाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, पहले सलार आएगी, फिर बगीरा और फिर आएगी KGF चैप्टर 3। और इस बार फिल्म कोई मामूली फिल्म नहीं होने वाली, इस बार हमारे यश जाएंगे सीधे हॉलीवुड। आपको बता दें, मेकर्स को लगता है कि इसकी अपॉर्चुनिटी हॉलीवुड से भी बहुत ज्यादा है और खूब पैसा कमा सकती है फिल्म। जिस तरह से RRR को बहुत अच्छा रिएक्शन मिला हॉलीवुड से, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में उतारने की तैयारी है KGF चैप्टर 3 को। दोस्तों, इस फिल्म में ऋतिक रोशन की एंट्री तो कंफर्म है। पूरी फिल्म का मास्टरमाइंड होने वाले हैं ऋतिक, लेकिन अब बाहुबली एक्टर राणा दग्गुबाती का भी कंफर्मेशन हो चुका है, वो भी इस फिल्म में नजर आएंगे। यानी कि एक ही फिल्म में आपको यश, राणा दग्गुबाती और ऋतिक रोशन जैसे तीन सुपरस्टार्स नजर आएंगे और फिल्म का वजन ऑलरेडी बढ़ चुका है। KGF चैप्टर 3 की बात करें तो फिल्म की कहानी वही दिखाई जाएगी जहां ये खत्म हुई है। KGF चैप्टर 2 में आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनका पूरा जवाब मिलेगा KGF चैप्टर 3 में। कई लोगों का कहना है कि ये फिल्म कभी नहीं बनेगी, लेकिन मेकर्स ने कंफर्म किया है कि KGF चैप्टर 3 जरूर आएगी। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष को लेकर चर्चा में चल रहे हैं। इस बीच उनकी एक और फिल्म जिसकी रिलीज डेट की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं सलार की, जिसका डायरेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाले KGF चैप्टर 2 फिल्म प्रशांत नील कर रहे हैं। अब देखा जाए दोस्तों, तो इस फिल्म से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे देखने के बाद प्रभास के इस फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस के लिए किसी बड़ी ट्वीट से कम नहीं। इस फिल्म से साउथ इंडियन स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन का फर्स्ट लुक सामने आया है और इसमें वो काफी दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं। मैंने पृथ्वीराज सुकुमारन की बहुत सी फिल्में देखी है, लेकिन ये जो लुक है ना, मतलब आप ये सोचिए कि ऐसा अवतार पहले किसी भी फिल्म में हमने देखा ही नहीं। बहुत ही भयंकर और बहुत ही गजब का लुक है। जो आप सेल्फी देखने वाले हैं अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म, हम सभी जानते हैं कि वो ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि साउथ की फिल्म की कॉपी है और उस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर पृथ्वीराज सुकुमारन ही नजर आए थे, जो उस फिल्म में एक स्टार होते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा भी इन्होंने बहुत सी फिल्में की हैं और सभी फिल्मों में इनका लुक बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन ये जो लुक अपनाया है पृथ्वीराज सुकुमारन ने, ये रोंगटे खड़े करने वाला है। लोगों को पृथ्वीराज का लुक बहुत पसंद आ रहा है। पोस्टर पर कमेंट करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, वाह घातक लुक पृथ्वीराज सर। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, पृथ्वीराज सुकुमारन दी ब्रांड। तो एक ने लिखा, अगर विलेन ऐसा दिख रहा है तो जरा कल्पना कीजिए कि हीरो कैसा दिखेगा। तो एक यूजर ने लिखा, आखिरकार मूवी अच्छी आने वाली है। मतलब हर तरफ फिल्म की तारीफ हो रही है, उनके लुक की तारीफ हो रही है। सलार की बात करें तो इसे होमेबल फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। होमेबल फिल्म्स जिनकी अभी कंतारा बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड में रिलीज हुई है और ये फिल्म बहुत ही भयंकर कमाई कर रही है। कंतारा एक अलग ही लेवल की फिल्म है जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है और IMDB पर भी रेटिंग उसे मिली है 9.5 की, अब तक का सबसे हाईएस्ट है। वेलम पोस्टर की बात करें तो प्रोडक्शन हाउस ने पोस्टर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, सलार से वर्धा राजा, मतलब कि सलार फिल्म में इनका नाम होगा वर्धा राजा। मतलब दोस्तों, जितना खतरनाक नाम है वैसा ही खतरनाक लुक भी है। वेल, सलार तेलुगु सिनेमा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे प्रोड्यूस किया है विजय ने। फिल्म में प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा श्रुति हसन, जगपति बाबू भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज डायरेक्टर प्रशांत नील की यह पहली तेलुगु फिल्म है जिसे हिंदी और कन्नड़ में भी रिलीज किया जाएगा। खास बात यह कि इसे भी KGF के लेवल पर ही बनाया जाएगा। मतलब कि जिस तरह से KGF सीरीज में यश को बहुत ही ज्यादा वायलेंट दिखाया गया था, इस फिल्म में प्रभास भी यानी कि सलार के रोल में जो नजर आने वाले, इसमें भी उनका रोल ऐसा ही वायलेंट होगा। खबरें हैं कि ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले हमें टीजर देखना है और फिल्म का ट्रेलर देखना है, जिससे हमें पता चले कि ये फिल्म कितनी भयानक होने वाली है। आखिरी मस्तान रुकता है उस होटल का, वेटर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और वेटर का दोस्त उस वेटर को कहता है, तू आज ठेके पर क्यों नहीं आया? तो वो वेटर कहता है कि बस यार आज थोड़ा बिजी था होटल में। तभी वेटर को मैनेजर देख लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वेटर? कहता है, कुछ नहीं सर। तब मैनेजर वेटर को पूछता है, क्या तुमने हाजी मस्तान के रूम में मच्छर मारने की दवाई लगा दी? वेटर कहता है, यस सर। हाजी मस्तान का नाम सुनकर वेटर का दोस्त उससे पूछता है, तुम्हारे होटल में हाजी मस्तान रुका हुआ है? वो वेटर कहता है, हाँ क्यों? इतनी सी बात सुनकर उसका दोस्त कुछ नहीं कहता और वेटर को कहता है कि चल
मैं चलता हूँ। फिर वेटर का दोस्त ये बात पूरे बनारस में फैला देता है कि बनारस में हाजी मस्तान आया हुआ है। हाजी मस्तान का नाम उस टाइम बहुत ही फैला हुआ था और हाजी मस्तान का नाम सुनते ही बनारस के लाखों लोग हाजी मस्तान को मिलने आते हैं। होटल के चारों तरफ भीड़ ही भीड़ होती है, लोग हाजी मस्तान को मिलते हैं और बेहद खुश होते हैं। इतनी भीड़ को देखकर एक आदमी होटल के पास से गुजर रहा होता है तो वो इतनी भीड़ को देखकर भीड़ में खड़े एक आदमी को बुलाता है और उसे पूछता है और कहता है, यार एक बात बताओ, आज इस होटल के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, कोई हीरो आया है क्या? तब भीड़ में से आया हुआ आदमी कहता है, हीरो नहीं लेकिन हीरो जैसा ही है, हाजी मस्तान आया हुआ है। अनजान आदमी कहता है, हाजी मस्तान ये कौन है? भीड़ से बाहर आया आदमी कहता है, तुम हाजी मस्तान को नहीं जानते? अरे ये मुंबई का बहुत बड़ा गुंडा है। इतनी बात बोलकर दोनों चले जाते हैं। दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है केजीएफ 3 की, तो आप कितने एक्साइटेड हैं केजीएफ 3 के, जिसमें कि एक गैंगस्टर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। विजय द्वारा प्रोड्यूस की गई केजीएफ फ्रेंचाइजी बहुत हिट रही थी और लोगों को काफी पसंद आई थी। वैसे तो इस फिल्म की स्टोरी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब मेकर्स ने केजीएफ पार्ट 2 रिलीज की तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन ऑडियंस को ज्यादा क्लियर हुई और अब इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है जिसके लिए ऑडियंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि हमारे बाहुबली यानी कि प्रभास भी इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं और ऐसे में इस फिल्म की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। तो पार्ट 3 की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों आपको बताते चलें कि सन 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद से आतंक का चेहरा बना मुंबई का ये डॉन भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। मुंबई की सबसे बड़ी आतंकी वारदात में 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब करीब 800 लोग घायल हुए थे, जिसका मास्टरमाइंड था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। 1980 और 90 के दशक में बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह रहे इस डॉन को भारत की पुलिस और कई एजेंसियां आज भी ढूंढ रही हैं। इसके पीछे इंटरपोल की पुलिस लगी हुई है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। रेड कॉर्नर नोटिस वही है जो देश से भागे हुए आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। रेड नोटिस अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर रेड नोटिस जारी किया जाता है ना, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने देश में कोई गंभीर अपराध किया है, यानी वो दोषी है। वहीं अरेस्ट वारंट से रेड कॉर्नर नोटिस अलग होता है। दोस्तों दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी गांव में हुआ था। उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर है। दोस्तों आपको बता दें कि उसके पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। परिवार बड़ा था, इसीलिए उन्हें खर्चे चलाने में दिक्कत होती थी। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बुरी सोबत से पड़े दाऊद ने चोरी, डकैती और तस्करी शुरू कर दी। इससे परेशान होकर घर वालों ने उसकी शादी बीना जरीना नाम की लड़की से कर दी, लेकिन वो जुर्म की दुनिया में आगे ही बढ़ता जा रहा था। आपको बता दें कि दाऊद ने एक बिजनेसमैन को लूटकर जुर्म की दुनिया में कदम रखा, फिर इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा था। उसके पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने दाऊद को घर से ही निकाल दिया था। दोस्तों घर से निकाले जाने के बाद दाऊद मुंबई के उस समय के डॉन करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया। करीम लाला से जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सीखने के बाद दाऊद ने अपने भाई साबिर के साथ अलग गैंग बना लिया। 1980 के दशक में मुंबई में हाजी मस्तान और करीम लाला का राज था। दाऊद ने धीरे धीरे इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। मीडिया ने उसके गैंग का नाम दिया डी कंपनी। दोस्तों ऐसे ही किसी डॉन और टॉप 10 अपराधी की लिस्ट केजीएफ 3 की कहानी में शामिल हो सकती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों किसे मालूम था कि अफगानिस्तान के एक गांव में जन्मा साधारण सा एक लड़का आगे जाके मुंबई का माफिया डॉन बनेगा। जी हाँ, आज की कहानी है करीम लाला के बारे में। करीम लाला के बचपन का नाम करीम शेख था। करीम लाला 1920 के दशक में अफगानिस्तान से मुंबई आया। वो बहुत गरीब परिवार से था। मुंबई में उनका परिवार साउथ बॉम्बे के सबसे घनी आबादी वाले इलाके भिंडी बाजार के पास बस गया। शायद मुंबई आने से पहले उसे खुद को भी ये मालूम नहीं था कि वो एक गैंगस्टर बन जाएगा, लेकिन यहाँ की चकाचौंध ने एक मामूली इंसान को गैंगस्टर में तब्दील कर दिया और मुंबई आने के बाद उसका गैंगस्टर करियर शुरू हुआ। पहले उसने मुंबई गुड़ी में अपना काम करना शुरू किया और फिर बाद में
पठान के एक गिरोह में शामिल हो गया, जिसमें मारवाड़ी और गुजराती जमींदारों और व्यापारियों के लिए इलीगल वसूली एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया और यहीं से उसका करीम शेख से करीम लाला बनने का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, लाला ने जल्दी पठान गैंग का चीफ बनने के लिए अपने काम का दायरा बढ़ा दिया और अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग और जबरन वसूली भी करने लगा और धीरे धीरे वो अपने काम में परफेक्ट हो गया और उसका ये व्यापार भी बढ़ता गया। लेकिन इससे उसके साथ ही हाजी मस्तान और वरदराजन जलने लगे और उनके बीच विनाश की लड़ाई शुरू हो गई। फिर तीनों ने साथ मिलकर अपने काम और स्थान का विभाजन किया। अपने समय में लाला के संबंध बॉलीवुड सेलिब्रिटी से काफी अच्छे थे। वो अक्सर बड़ी हस्तियों को ईद और पार्टियों में बुलाया करता था। 1970 से 80 के दशक में बॉलीवुड सेलिब्रिटी से उसके संबंध काफी बढ़ने लगे थे। करीम लाला के बहुत इल्लीगल बिजनेसेस थे, पर अपने साथियों की तुलना में उसका जीवन काफी सादगी भरा था। लेकिन फिर भी बिजनेस में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सका। इतने बड़े बड़े इल्लीगल बिजनेसेस करने के बाद भी भारत की सरकार उसे कभी पकड़ नहीं पाई। और ऐसी ही गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय किरंगडू अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें कि एक गैंगस्टर गोल्ड की इल्लीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। विजय द्वारा प्रोड्यूस की गई KGF फ्रेंचाइजी बहुत हिट रही थी और लोगों को काफी पसंद आई थी। वैसे तो इस फिल्म की स्टोरी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब मेकर्स ने KGF पार्ट 2 रिलीज की तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन ऑडियंस को ज्यादा क्लियर हुई और अब इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है, जिसके लिए ऑडियंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि हमारे बाहुबली यानी कि प्रभास भी इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं और ऐसे में इस फिल्म की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। तो पार्ट 3 की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। से करोड़ों तक, यूं तो हमने ऐसे कई बिजनेसमैन और ऐसे कई लोगों की कहानियां तो सुनी जो कि छोटे शहरों से लेकर अपने आप को करोड़पति के दर्जे तक ले गए। लेकिन अगर एक ऐसे आदमी के बारे में जाना जाए जो कि काफी ज्यादा अजीब माना जाता था, तो एक ही आदमी का नाम सबके सामने आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिमोथी डेक्स्टर की। अमेरिका में 18वीं सदी में टिमोथी डेक्स्टर नाम का एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसने कई ऐसी डील की जो कि काफी ज्यादा आम डील मानी जाती थी, लेकिन इसके बाद भी उसको काफी ज्यादा फायदा हुआ। बचपन से ही टिमोथी डेक्स्टर अपने आप को काफी ज्यादा माहिर और लेजेंडरी समझा करता था। उसने 8 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और ये फैसला किया कि वो कारोबार में हिस्सा लेकर पैसा कमाएगा। अपनी शुरुआत करने के लिए उसने कोयले का साथ लिया। जी हाँ, डेक्स्टर अपने शहर में कोयला बेचा करता था, जहाँ शुरुआत में कोयला बेचकर उसे फायदा तो होता था लेकिन कोई बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती थी। उसके बाद उसने रजाई बेचनी शुरू कर दिया। ऐसी छोटी छोटी चीजों को बेचना शुरू करने के बाद उसने खूब दौलत कमाई। वो एक अनपढ़ आदमी से एक करोड़पति बन बैठा। जैसे ही उसके आसपास के लोगों को ये पता चला कि वाकई में ऐसी छोटी छोटी चीजों को बेचकर कितना ज्यादा पैसा कमाता है, तो उन्होंने उसे हराने की कोशिश की। जी हाँ, इन सभी लोगों ने मिलकर टिमोथी डेक्स्टर को काफी ज्यादा बुरे आइडियाज दिए, जिसमें कि ऐसे ऐसे चीजों पर पैसा लगाने के लिए कहा जो कि उसको काफी ज्यादा नुकसान करवाती। ऐसे ही बुरी सलाह देने के बाद उन्हें लगा कि डेक्स्टर अपने सारे पैसे लौटा देगा और उस शहर को छोड़कर कहीं और चला जाएगा। किसी ने उसे कहा कि वो खाना बनाने के बर्तनों को खरीदे और उन्हें बेचना शुरू करे। ऐसा कहने पर उसने 40,000 ऐसे बर्तनों को खरीद लिया और बेचना शुरू किया। सभी को ऐसा लगा कि ऐसी बेवकूफी चाल के बाद टिमोथी डेक्स्टर धीरे धीरे अपने सारे पैसे लुटा देगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। लोगों ने डेक्स्टर से बड़े बड़े दामों पर ये सारे बर्तन खरीदे हैं और उसका नाम और उसकी दौलत बढ़ती ही गई। सभी को ये लगने लगा कि डेक्स्टर एक पागल इंसान है, लेकिन वाकई में उसे बिजनेस करना आता था और वो छोटे से छोटे सामान को बेचने में भी शर्म नहीं करता था। कुछ ऐसे ही उसने एक छोटे से किसान के परिवार से लेकर अपने आप को न्यूपोर्ट शहर का शहंशाह बना दिया। क्या KGF 3 में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? कुछ ऐसी ही कहानी। जल्दी रिलीज होने वाली बड़ी टॉलीवुड मूवी KGF चैप्टर 3 की कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ने वाली है। तो अब रमिका का खत पाने के बाद रॉकी भी जंग के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो जंग के लिए बस खुद को और अपने एक साथी को ही तैयार कर रहा होता है। वो किसी और को लड़ाई में शामिल करना नहीं चाहता और खुद अपनी जंग जीतेगा। अब शाम होने लगती है। शाम के समय भारी बारिश का माहौल हो जाता है और जैसे तेज आंधी आ रही होती है। रमिका ठीक 7 बजे गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर रॉकी का इंतजार करती है।
ठीक 7:05 पर रॉकी वहां अपने साथी के साथ आता है और यहां रिवील होता है कि आखिर रॉकी का ये स्पेशल साथी कौन है। तो दोस्तों रॉकी के साथ पूरे समय सलार होता है जो इस वक्त सारा काम संभालता है और पूरे समय बिना कुछ बोले बस रॉकी की आज्ञाओं का पालन कर रहा होता है। अब आमने सामने होते हैं रॉकी सलार और रमिका और भगीरा। भारी बारिश में दोनों टीम्स के सामने खड़े होते ही बिजली चमकने लगती है और रमिका बिना कुछ बोले अपना हाथ समुद्र की तरफ पॉइंट करती है। समुद्र में एक शिप खड़ी होती है और उसे कपड़े से ढका हुआ होता है। उस पर कुछ लोग भी सवार होते हैं जो कि रमिका के आंखों के इशारे पर उस कपड़े को हटाते हैं और रॉकी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस शिप में उसका सारा सोना होता है। यहाँ रॉकी की हवा टाइट हो जाती है। रमिका कहती है, यही चाहते थे ना तुम, तुम्हारा सारा सोना डुबाना पिछली बार नाकामयाब रह गया, लो इस बार मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया, अब तुम्हारी जंग मुझसे नहीं इस समुद्र से है, जाओ बचा सको तो बचा लो अपनी अमानत। और रॉकी और सलार भागते हुए समुद्र तक जाते हैं और कोशिश करते हैं कि शिप तक चढ़ सके, लेकिन असल में वो ऐसा कर नहीं पाते कि तभी शिप से ही एक आदमी नीचे एक छोटी सी बोट में आकर रॉकी और सलार को अपने साथ ऊपर ले आता है। वो आदमी रमिका की टीम का होता है पर रॉकी ने उसे पहले ही अपनी तरफ कर लिया था और रॉकी और सलार शिप पर सवार हो जाते हैं जिसके बाद सारा सोना उनका हो जाता है और वो वहां से उसकी बड़ी शिप पर रवाना हो जाते हैं और रमिका सेन बस देखती रह जाती है। तो दोस्तों आपके अनुसार इस कहानी में और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। क्या रुकावटें आएंगी पोर्ट पर? मुंड्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट है। 1998 में खुला था जिससे पहले देश में सिर्फ एक और पोर्ट था, पोर्ट पिपरमाव। बड़े बड़े स्टोर्स, हाउसेस, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े कार्गो शिप्स सब यहीं रहती हैं। अफ्रीका हो या मिडिल ईस्ट, सभी का सामान यहीं लोड होता है। लगभग 70% इम्पोर्ट्स यहीं पर आते हैं जो कि पूरे देश में इसे नंबर वन बनाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पूरा काम अच्छी खासी एडवांस मशीन और आर्टिफिशियल कंट्रोल मशीन से किया जाता है। ऐसे में पोर्ट ऑपरेटर को चार्जेस मिलते हैं जिससे पोर्ट की मेंटेनेंस भी होती है और ऑपरेशन भी चलते रहते हैं। अलग अलग तरीके की मशीन्स जैसे ग्रैब शीट अनलोडर्स और मोबाइल हार्बर क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सामान उतारा और चढ़ाया जाता है। अब ये मशीन्स बड़े बड़े इंजीनियर्स बनाते हैं और तो और इसकी खास देख रेख भी की जाती है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। इतनी बड़ी मशीन्स का फायदा ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा काम होता है और वो भी कम से कम वक्त। इसीलिए ही तो मुंद्रा पोर्ट सबसे बड़ा ऑपरेशनल पोर्ट है इंडिया का। ऐसे में बड़ी बड़ी कार्स, बड़े बड़े कंसाइनमेंट सभी के सभी यहीं आते हैं। इतना ही नहीं, इस सिस्टम में इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है कि सभी सामान के लिए अपने अपने वेयरहाउसेस बने हुए हैं। ऐसे में हर तरीके का सामान तब तक स्टोर किया जाता है जब तक ऑथराइज्ड कलेक्टर आकर सामान लेकर नहीं जाता। ये सामान कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं होता बल्कि बड़े बड़े बिजनेस वालों का रॉ मटेरियल होता है, तो कभी कभी इन्वेंट्री भी आती है। फॉरेन का इंपोर्ट का सामान यहीं पर उतारा जाता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी यहीं से चढ़ते हैं। इंडिया का सारा एक्सपोर्ट्स का माल जो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में जाता है वो इसी पोर्ट से रवाना होता है। खास स्कैनिंग और वेरिफिकेशन के बाद ये सामान लोड किया जाता है। ये स्कैनर्स काफी स्ट्रांग होते हैं और इनकी रेज बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाती है, इसीलिए स्मगलिंग के चांसेस यहाँ पर कम होते हैं। आखिर पोर्ट ऑपरेटर क्यों ही अपना धंधा बंद करवाना चाहेंगे? इसके अलावा सबको पता है कि सिर्फ एक स्टेट चेकिंग नहीं होती बल्कि मल्टीपल चेक पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए इस रास्ते से स्मगलिंग करवाना काफी मुश्किल होता है। कोई बड़ा आदमी ही जो सिस्टम में हो वही सिर्फ इसे आसानी से निकलवा सकता है, बाकी तो इस रास्ते से तस्करी करवा पाना मुश्किल। बस यही गुत्थी KGF में रॉकी भाई कैसे सॉल्व करते हैं ये देखने को मिल सकता है। तब तक अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट है। ये 1998 में खुला था जिससे पहले देश में सिर्फ एक पोर्ट था, पोर्ट पिपरमाव। बड़े बड़े स्टोर हाउसेस, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े कार्गो शिप सब यहीं पर रहती है। अफ्रीका हो या फिर मिडिल ईस्ट, सभी का सामान यहीं पर लोड होता है। लगभग 70% इम्पोर्ट्स यहीं पर आते हैं जो कि पूरे देश में इसे नंबर वन बनाते हैं। इतना ही नहीं,
इतनी बड़ी मशीन का फायदा ये है कि अधिक से अधिक काम होता है और वो भी कम से कम वक्त में। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए मुंद्रा पोर्ट सबसे बड़ा ऑपरेशनल पोर्ट है इंडिया का। ऐसे में बड़ी बड़ी कार्स, बड़े बड़े कंसाइनमेंट सभी के सभी यहीं पर आते हैं। इतना ही नहीं, इस सिस्टम में इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है कि सभी सामान के लिए अपने अपने वेयर हाउसेस बने हुए हैं। और ऐसे में हर तरीके का सामान तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि ऑथराइज कलेक्टर आके उसे कलेक्ट करके ले ना जाए। ये सामान कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं होता, बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन का रॉ मटेरियल होता है, या तो कभी कभी इन्वेंट्री भी आती है। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन का इंपोर्ट यहीं से किया जाता है और का सामान भी यहीं पर उतरता है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी यहीं से चढ़ते हैं। इंडिया का सारा एक्सपोर्ट्स का माल जो अफ्रीका और मिडल ईस्ट में जाता है वो इसी पोर्ट से रवाना किया जाता है। खास स्कैनिंग और वेरिफिकेशन के बाद ये सामान लोड किया जाता है। ये स्कैनर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी रेज बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाती है और इसीलिए स्मगलिंग के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाते हैं। आखिर पोर्ट ऑपरेटर क्यों ही अपना धंधा बंद करवाना चाहेगा? और इसीलिए सबको पता है कि सिर्फ एक स्टेज चेकिंग नहीं होती बल्कि मल्टीपल चेक पॉइंट्स होते हैं और इसीलिए इस रास्ते स्मगलिंग करवाना काफी मुश्किल होता है। कोई बड़ा आदमी हो जो कि सिस्टम में हो तभी ये सब चीज पॉसिबल हो पाएगा, बाकी तो इस रास्ते से तस्करी करवाना बहुत मुश्किल है। बस यही गुत्थी केजीएफ में रॉकी भाई कैसे सॉल्व करते हैं ये देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। आपके लिए एक खास चीज है, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो है फॉरेन माफिया गैंग। क्या एक तीर से दो निशाने लगा रहा था सालार? क्या थी सालार की प्लानिंग? तो दोस्तों अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे रॉकी ने फरहान पर भरोसा दिखाकर उसे फॉरेन भेजा, और किसी छोटे काम के लिए नहीं बल्कि अपने गोल्ड के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन फरहान ने गोल्ड के बिजनेस के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें शुरू कर दी थी जिसकी वजह से वो बना सालार और उन सब क्राइम्स का जिम्मेदार बना रॉकी, क्योंकि सालार का सारा गैर कानूनी काम और इलीगल बिजनेस सब रॉकी के नाम से ही चलते थे। और इसी वजह से रॉकी पर नजर पड़ी फॉरेन के एक बड़े माफिया गैंग की, जिसने सबसे पहले तो रॉकी को फोन करके ये खबर पहुंचाई कि उसके बिजनेस की वजह से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है जिसे उसे सुधारना होगा। अब ये पहली बार था कि रॉकी को किसी ने बिजनेस के लिए टोका था, तो वो सीधे सालार को फोन करता है और कहता है, मैंने तुझे वहाँ अपने बिजनेस को बढ़ाने को भेजा था, लेकिन बिजनेस किस दिशा में बढ़ेगा और किस हद तक पहुँचेगा ये भी ध्यान तुझे ही रखना है। खबर है कि किसी अंडरवर्ल्ड माफिया को अपने बिजनेस से तकलीफ हो रही है। अब इसके जवाब में सालार उसे कहता है, पता नहीं भाई, मैं बिजनेस को बड़े लेवल पर संभालता हूँ, ये छोटे मोटे गुंडों को इससे कोई तकलीफ होती है तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। तो सुनते ही रॉकी उसे सिर्फ एक बात ही कहता है, कभी किसी छोटे मोटे गुंडे को ना अंडर एस्टिमेट मत करना, एक चींटी ही हाथी को पलटने के लिए काफी होती है। और यही इन दोनों की बात खत्म हो जाती है। फिलहाल रॉकी इन सब चीजों पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि फरहान है, सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। वहाँ फरहान अब सालार बन चुका था और उसे अपने नाम को एक ब्रांड बनाना था जिसके लिए वो एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता था, जिसमें पहला निशाना था दुनिया के ज्यादा से ज्यादा हथियार और गोल्ड का बिजनेस अपने हाथ में लेना, और दूसरा था रॉकी। असल में वो ये सब बिजनेस अपने नाम से भी चला सकता था क्योंकि उसे नाम ही तो चाहिए था, लेकिन रॉकी की तरह उसके भी कुछ उसूल थे जो उसे किसी फेंकी हुई चीज को उठाने से इनकार करते थे। इसीलिए सालार ने प्लान बनाया अंडरवर्ल्ड माफिया से रॉकी को मरवाने का। वो बदले में उन्हें रॉकी का आधा बिजनेस दे देता और उसे अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक नाम चाहिए था, अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला और रॉकी को मारने वाला सालार। लेकिन इसके साथ ही वो अपना दूसरा तीर चला रहा था खुद माफिया गैंग पर, जो एक तरह फिर रॉकी को मारेगी और सालार द्वारा रॉकी की सेना भड़काएगी और उन्हें खत्म कर देगी। यहाँ से केजीएफ भी, उसकी और अंडरवर्ल्ड भी। लेकिन अब क्या वो अपने इन सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या रॉकी को मारना सच में इतना होगा आसान? अब सवाल तो मेरे दोस्तों बहुत सारे हैं। आई एम श्योर मेरी तरह आप लोग भी बहुत क्यूरियस होंगे कि आगे क्या होगा। डोंगरी से दुबई तक का सफर। महाराष्ट्र के गांव में एक मुस्लिम परिवार में जन्मा एक साधारण सा लड़का, किसे पता था कि वो एक दिन मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बनेगा।
पर उससे भी बड़ी बात तो यह है कि उसके पिता मुंबई पुलिस के एक हेड कांस्टेबल थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ। वैसे तो कहा जाता है कि आपके माँ बाप जिस पेशे में होते हैं बच्चे भी वही काम करते हैं, पर दाऊद के केस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। पैसों के दम पर दुनिया की नाक में दम करने वाला दाऊद इब्राहिम शुरू से ही ऐसा नहीं था। दाऊद एक बहुत ही गरीब परिवार से था, इसलिए से हमेशा अपने जरूरतों को मारना पड़ता था। उसका परिवार इतना गरीब था कि वो एक समय की रोटी के लिए भी मोहताज हुआ करता था, और इसी गरीबी के चलते उसे ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा जिसे आज उसे दुनिया भर की पुलिस ढूंढ रही है। वैसे तो बचपन में वो बड़ा शांत स्वभाव का था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने चोरी, धोखाधड़ी और डकैती करना शुरू कर दिया, और वो एक गैंगस्टर और डॉन बाशु दादा के गृहों में शामिल हो गया, और उसने बहुत सारे लीगल बिजनेस करने शुरू कर दिए, जैसे कि सोने की तस्करी, रियल एस्टेट, जबरन वसूली और ड्रग्स की लीगल सप्लाई। लोग उसे डोंगरी का राजा कहते थे। वो 1986 में भारत छोड़कर दुबई भाग गया था और तब से भारत की सरकार उसे ढूंढ रही है। उसे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1993 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड घोषित कर दिया गया है। दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारे लीगल बिजनेस किए हैं, जैसे ड्रग्स की सप्लाई। उसने 2018 के मुंबई हमलों में केमिकल्स की सप्लाई की थी। दाऊद ने न जाने कितने ही मर्डर्स किए हैं, और इतना कुछ करने के बाद भी भारत सरकार उसे अभी तक पकड़ पाने में असफल रही है। न जाने वो आगे और कितना अपराध करेगा, और आगे चलकर कितने मासूमों को अपना शिकार बनाएगा। ऐसे ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय किरागंडूर अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें एक गैंगस्टर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। बहुत जल्द मेकर्स इस हिट फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट भी लाने वाले हैं, जिसके लिए ऑडियंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा था। तो पार्ट 3 की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रोशनी आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज में। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड की। द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जो इंडिया के सबसे पुराने बैंक्स में से एक है, जिसके हेडक्वार्टर्स पुणे में लोकेटेड है। 11 और 13 अगस्त 2018 को कुछ इंटरनेशनल हैकर्स की एक टीम ने कॉस्मोस बैंक के सर्वर को हैक कर लिया। इस हाइस्ट के दौरान कॉस्मोस बैंक से अलग अलग मीडियम से टोटल 94 करोड़ की चोरी होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स इस बात से हैरान थे कि उन्हें इस फ्रॉड की जानकारी उनके CBS से न मिलके वीजा और स्विफ्ट जैसे पेमेंट सेटलमेंट प्लेटफॉर्म से मिल रही है। दरअसल हैकर्स ने कोर बैंकिंग सिस्टम को हैक करके इनएक्टिव कर दिया था, जिसकी वजह से CBS बैंक को इन ट्रांजैक्शन के बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिल पा रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स इस हैकिंग के पीछे का प्लान ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें पता चलता है कि हैकर्स ने बैंक के ATM इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मालवेयर के थ्रू कॉम्प्रोमाइज किया है। एक बार जैसे ही ये वायरस ATM से होता हुआ बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर हुआ, उसने ATM और CBS का कनेक्शन डिले कर दिया, जिससे कि वो डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट हो गया और ATM फेक बैलेंस अकाउंट शो करने लगे। इन फेक बैलेंस को शो करते हुए हैकर्स ने ATM से अनऑथराइज्ड कैश विड्रॉ किए। इन कैश को विड्रॉ करने के लिए हैकर्स ने क्लोन ATM कार्ड्स की मदद ली। इन्वेस्टिगेटर्स को आगे जांच करने पर पता चला कि इन हैकर्स ने सभी क्लोन ATM कार्ड्स की डिटेल भी डार्क नेट से एक्सेस की थी, जहां इंडिविजुअल की ऐसी ही इन्फॉर्मेशन सेल की जाती है। क्योंकि हैकर्स ने CBS और ATM का कनेक्शन भी हैक किया था, इसलिए ATM से निकाला गया कोई भी पैसा बैंक्स में नहीं शो हो रहा था। 11 अगस्त को 3 बजे से रात 10 बजे तक हैकर्स ने इंडिया समेत 31 कंट्रीज में 80 करोड़ रुपीस विड्रॉ किए थे। लेकिन हैकर्स यहां भी नहीं रुके, और 13 अगस्त को हैकर्स ने कॉस्मोस बैंक के पैसों को स्विफ्ट के थ्रू हांगकांग के हैंग सैंग बैंक के ALM ट्रेडिंग लिम में ट्रांसफर करने का प्लान किया। जब स्विफ्ट को इस ट्रांजेक्शन को लेकर शक हुआ, तो उसने कॉस्मोस बैंक को इन्फॉर्म किया और इस साइबर फ्रॉड का पता लगाया। पुणे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दम पर इंडिया में 18 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया, जिन्होंने ATM से पैसा विड्रॉ किए थे। लेकिन ये अरेस्ट किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया था, उन्होंने केवल ATM से पैसा विड्रॉ किए थे, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। आज तक पुलिस इस साइबर फ्रॉड के पीछे के मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ पाई है, लेकिन अभी भी ये केस चल रहा है और पुलिस उन हैकर्स की तलाश में है। उम्मीद है कि इस बार KGF में रॉकी भाई कुछ ऐसा ही साइबर फ्रॉड करते नजर आएंगे और दुनिया भर का पैसा और सोना लूटेंगे। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यून बना गोल्ड स्मगलर।
ये कहानी है अंडरवर्ल्ड डॉन टाइगर मेमोन की, जिसका जन्म 1960 में मुंबई के अली रोड इलाके में इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रजाक नदीम मेमोन के तौर पे हुआ था। इब्राहिम के परिवार में माता पिता के अलावा 5 छोटे भाई थे। इब्राहिम के परिवार की हालत बहुत खराब थी, इसलिए 10th तक पढ़ने के बाद उसने एक बैंक में पियून की नौकरी करनी शुरू कर दी। हालांकि ये नौकरी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि इब्राहिम के काम को लेकर बैंक के मैनेजर से झगड़ा हो गया। इब्राहिम पियून की नौकरी छूटने के बाद कुछ दिनों काम की तलाश में काफी भटका, तब जाकर उसे ड्राइवर की नौकरी मिली। इब्राहिम अब फेमस स्मगलर मोहम्मद मुस्तफा दौशा की गाड़ी चलाने लगा। इसी बीच मुस्तफा दौशा ने इब्राहिम की मुलाकात दुबई के फेमस स्मगलर याकूब भट्टी से कराई, जिसके बाद इब्राहिम गोल्ड की स्मगलिंग में याकूब का काम देखने लगा। कुछ ही सालों के अंदर इब्राहिम की दोस्ती पाकिस्तान के स्मगलर तौफिक से हो गई, जिसके बाद इब्राहिम जल्दी एक बड़ा नाम बन गया। अपने काम को लेकर एक मजबूत प्लान और फर्टाइल पैन की वजह से इब्राहिम को टाइगर नाम दे दिया गया। स्मगलिंग से कमाए हुए पैसों से इब्राहिम ने मुंबई में कुछ इलेक्ट्रिक की दुकानों की शुरुआत की, लेकिन 1992 में हुए मुंबई दंगे में इब्राहिम की दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने महीनों बाद 12 मार्च 1993 में मुंबई में बम धमाकों को अंजाम दिया। ये देश का सबसे खतरनाक धमाका था, जिसका मास्टरमाइंड इब्राहिम एके टाइगर मेमोन था। इस धमाके में दाऊद इब्राहिम ने विस्फोटक सामग्री और वेपन्स की फंडिंग की थी, जबकि इस पूरे धमाके को अंजाम इब्राहिम ने अपने भाई याकूब मेमोन के साथ मिलकर किया था। इस धमाके के बाद टाइगर देश छोड़कर भाग गया। बाद में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को इब्राहिम के पाकिस्तान के कराची में होने का पता चला। इब्राहिम आज भी इंडियन खुफिया एजेंसी की लिस्ट में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के तौर पे शुमार है, हालांकि वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। यूं तो एक ऐसा गैंगस्टर बनना जो कि अपने और अपने गैंग की पूरी जिम्मेदारी उठाए और साथ ही अपने आस पास के सभी लोगों में अपना डर बनाए रखे, ऐसा बनना कोई आसान काम नहीं। जी हाँ, जहाँ फिल्मों में हमें ऐसे ही कई गैंगस्टर देखने को मिल चुके हैं जो कि शायद से हंसी मजाक वाले किरदार दिखाए गए हैं, वहीं असल जिंदगी में एक गैंग चलाना और उसके साथ अपने दुश्मनों से आगे रहना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक ऐसी फीमेल गैंगस्टर रह चुकी है जिसने ये साबित कर दिया कि वो किसी से डरती नहीं थी। दरअसल अमर नायक नाम का एक ऐसा गैंगस्टर हुआ करता था जिसका बहुत बड़ा गैंग था और उसका डर पूरे शहर में फैला हुआ था, लेकिन उसको एक अटैक के बाद अपने इस शौक को छोड़ना पड़ा और वो जिंदगी भर के लिए एक व्हीलचेयर के साथ फंस गया। जब उसके इस हालत का उसके भाई को पता चला तो अमर नायक का भाई, जो कि लंदन में एक पढ़ा लिखा बैंकर हुआ करता था, वापस इंडिया लौट आया और उसने अपने भाई के गैंग को संभालने का फैसला किया। उसका नाम अश्विन नायक था। अश्विन नायक यूं तो पढ़ने में काफी ज्यादा तेज था, लेकिन असल जिंदगी में उसे जरूरत थी एक ऐसे साथी की जो कि किसी से ना डरता हो, और उसकी मदद की उसकी बीवी नीता ने। नीता एक ऐसी औरत थी जो किसी से नहीं डरती थी और वो अपने गैंग को सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जुनून रखती थी। कुछ समय बाद अश्विन नायक और नीता ने अपने गैंग को काफी बड़े लेवल तक पहुंचा दिया और साथ ही में उनके दुश्मन भी बहुत बड़े हो गए। एक बार एक ऐसे अटैक में अश्विन नायक को टारगेट किया गया, जिसके बाद अश्विन को एक गोली लगी और उसे देश भी छोड़ना पड़ा। उसके जाने के बाद उसकी बीवी ने अकेले पूरी गैंग की जिम्मेदारी संभाल ली और नीता का नाम और बुलंद हो गया, लेकिन अश्विन को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। कुछ समय बाद नीता ने शिवसेना से हाथ मिलाया और उनके साथ मिलकर एक कॉरपोरेटर बन गई। अश्विन अपनी बीवी को एक आम सी हाउसवाइफ से इतने बड़े गैंगस्टर में तब्दील होते देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया और इस वजह से अश्विन और नीता के बीच भी एक बहुत गहरी दरार आ गई। इसके बाद नीता को अपने पति यानी कि अश्विन के ऑर्डर पर मरवा दिया गया, जहां इसके बाद नीता ने अपनी जान तो गंवा दी, लेकिन आज भी नीता एक ऐसी गैंगस्टर के नाम से जानी जाती है जिसको किसी का डर नहीं था। किसे पता था अफगानिस्तान के गांव में जन्मा साधारण सा एक लड़का आगे जाके मुंबई का माफिया डॉन बनेगा। जी हाँ, आज की कहानी है करीम लाला के बारे में। करीम लाला के बचपन का नाम करीम शेख था। करीम लाला 1920 के दशक में अफगानिस्तान से मुंबई आया। वो बहुत गरीब परिवार से था। मुंबई में उनका परिवार साउथ बॉम्बे के सबसे घनी आबादी वाले इलाके भिंडी बाजार के पास बस गया। शायद मुंबई आने के पहले उसे खुद भी नहीं पता था कि वो एक गैंगस्टर बन जाएगा।
लेकिन यहाँ की चकाचौंध ने एक मामूली इंसान को गैंगस्टर में तब्दील कर दिया और मुंबई आने के बाद उसका गैंगस्टर करियर शुरू हुआ। जतिया पश्तून के एक गिरोह में शामिल हो गया जिसमें मारवाड़ी और गुजराती जमींदारों और व्यापारियों के लिए इलीगल वसूली एजेंट के रूप में करने लगा और यहीं से उसका करीम शेख से करीम लाला बनने का सफर शुरू हो गया। लाला ने जल्द ही पठान गैंग का चीफ बनने के लिए अपने काम का दायरा बढ़ा दिया और अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग और जबरन वसूली भी करने लगा और धीरे धीरे वो अपने काम में परफेक्ट हो गया और उसका व्यापार बढ़ता गया। लेकिन इससे उसके साथ ही मस्तान और वर्दराजन जलने लगे और उनके बीच विनाश की लड़ाई शुरू हो गई। फिर तीनों ने साथ मिलकर अपने काम और स्थान का विभाजन किया। अपने समय में लाला के संबंध बॉलीवुड सेलिब्रिटी से काफी अच्छे थे। वो अक्सर बड़ी हस्तियों को ईद और पार्टियों में बुलाया करता था। 1970 से लेकर 1980 के दशक में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उसके संबंध बढ़ने लगे थे। करीम लाला के बहुत इलीगल बिजनेस थे पर अपने साथियों की तुलना में उसका जीवन काफी सादगी भरा था, लेकिन फिर भी बिजनेस में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े इलीगल बिजनेसेस करने के बाद भी भारत की सरकार उसे कभी पकड़ नहीं सकी। ऐसे ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं केजीएफ के मेकर्स केजीएफ 3 में, जिसमें गैंगस्टर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई और चटपटी वीडियो के साथ। हेलो, मैं हूं पूर्णिमा, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियो। दुनिया में एक से बढ़कर एक ड्रग माफिया है, लेकिन पाब्लो एस्कोबार जैसा कोई भी नहीं। पाब्लो एस्कोबार पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकेन के नाम से फेमस था। पाब्लो इतना शातिर और खतरनाक था कि दूसरे खूंखार तस्कर भी उसे हफ्ता देते थे। इतना ही नहीं, दुश्मनों ने पाब्लो को मारने के लिए ना 16 अरब रुपए खर्च कर दिए थे। पाब्लो ने 1970 के दशक में कोकेन के कारोबार में कदम रखा था। इस दौरान उसने अन्य माफियाओं के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टल बनाया था। पाब्लो ने ड्रग्स के धंधे में ना काफी पैसा कमाया था। 80 के दशक में दुनिया भर के करीब 80% बाजार पर पाब्लो के मेडेलिन कार्टल की भागीदारी। पाब्लो को मरवाने के लिए ना उसके दुश्मनों ने करीब 16 अरब रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी। पाब्लो के कारोबार में जिस किसी ने भी टांग अड़ाई ना, उसने उसकी हत्या करवा दी। अपने दुश्मन की कार बम से उड़वाना हो या फिर किसी बड़े नेता की जान लेना हो, पाब्लो के लिए ये सब अब मामूली बात हो गई थी। उसने पैसेंजर से भरी फ्लाइट तक उड़वा दिया था। इतना ही नहीं, कोलंबिया का राष्ट्रपति बनने के लिए उसने ना सुप्रीम कोर्ट तक को बम से उड़ा दिया था। बताया जाता है कि पाब्लो ने करीब 4000 लोगों की हत्या करवाई थी, जिसमें करीब 200 न्यायाधीश और 1000 पुलिस, पत्रकार और सरकारी अधिकारी शामिल थे। पाब्लो एस्कोबार के बारे में कहा जाता है कि उसने ड्रग्स के धंधे से ना इतना पैसा कमा लिया था। एस्कोबार के पास इतना कैश था कि वो हर महीने करीब 2500 अमेरिकी डॉलर को सिर्फ रबर बैंड खरीदने पे ही खर्च कर देता था, जिससे वो अपने पैसों को बांध सके। पाब्लो के पास अमेरिका के मशहूर मियामी बीच पर 6500 वर्ग फीट में फैला एक आलीशान बंगला भी था। पाब्लो एस्कोबार विमान के टायरों में कोकेन को छुपा कर एक देश से दूसरे देश में बेचता था। इसके लिए वो प्लेन के पायलट को लाखों डॉलर की घूस देता था। पाब्लो का व्यवसाय इतना बड़ा था कि विमानों, हेलीकॉप्टर, कारों, ट्रकों और नावों के अलावा उसने अमेरिका को कोकेन ले जाने के लिए 2 पनडुब्बियां भी खरीदी थी। और ऐसी ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं केजीएफ 3 में, जिसमें एक गैंगस्टर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग कर एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। तो हम जब भी एक गैंगस्टर के बारे में सोचते हैं तो हमें एक खूंखार आदमी का चेहरा सामने हमेशा नजर आता है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि आपका दुश्मन और ऐसे ही किसी गैंगस्टर की शक्ल एक खूंखार आदमी से मिलती जुलती नहीं होती, बल्कि एक भोली सी औरत से मिलती जुलती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था जब गुजरात में संतोख जडेजा नाम की एक गैंगस्टर ने अपना कमाल सबको दिखाया। पहली नजर में आपको जडेजा को देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक बहुत शातिर गैंगस्टर हो सकती है। उनकी शक्ल एकदम प्यारी सी गुजराती औरत के जैसी है, लेकिन उनकी मौत के सालों बाद भी आज भी पोरबंदर राजकोट वाले इलाके में उनके नाम का कहर
सब जानते हैं। दरअसल जडेजा ने इस रास्ते को तब चुना जब उनके पति जो कि एक साल में काम करते थे एक मिल में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली मर्डर का शिकार बने। उन्होंने ये फैसला किया कि अपने पति का बदला लेने के लिए वो पुलिस के पास नहीं जाएगी क्योंकि हो सकता है कि आम से मिल में काम करने वाले आदमी की मौत पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात ना हो और इसलिए उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। अपनी कुछ साथियों के साथ जडेजा ने 14 लोगों को मार दिया जो कि उनके पति के मर्डर में मिले हुए थे और साबित कर दिया कि एक भोली सी सूरत का मतलब ये नहीं है कि वो बदला लेना नहीं जानती। वो काठियावाड़ इलाके में माफिया क्वीन के नाम से जानी गई और अंडरवर्ल्ड में घुस गई। वो अंडरवर्ल्ड में सबसे ज्यादा मशहूर औरतों में से एक मानी जाती है। यही नहीं बल्कि क्राइम और बदले की इस दुनिया से एक अलग दुनिया भी उन्होंने बसाई। वो 1990 से लेकर 1995 तक जनता दल की एक कैंडिडेट के तौर पर भी जानी जाती हैं। वो उस समय के लिए इस इलाके की एमएलए भी रही है। वो मशहूर चिमन भाई पटेल की काफी करीबी दोस्त भी थी। इस गैंगस्टर ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि वो जो चाहे कर सकती है और अपने पति के बदले से अंडरवर्ल्ड में अपना नाम फैला दिया। उनकी लाइफ से हमें इंस्पायर्ड एक बहुत मशहूर फिल्म भी देखने को मिली है जिसका नाम है गॉड मदर, जिसमें शबाना आजमी ने उनका किरदार निभाया है। वो एक ही ऐसी गैंगस्टर है जो कि अपनी कहानी से किसी भी बहुत बड़ी फिल्म को इंस्पायर कर सकती है। तो क्या लगता है आपको, क्या केजीएफ चैप्टर 3 में भी हमें कोई ऐसी ही लेडी गैंगस्टर की कहानी देखने को मिलेगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जहां पर अपना नाम बनाना कोई भी आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर इतना जज्बा है कि आप अपने और अपने गैंग के सभी साथियों का ख्याल रख सकते हैं और साथ ही में अपना डर अपने आसपास के सभी लोगों में बरकरार रख सकते हैं तो आपसे बड़ा गैंगस्टर कोई नहीं बन सकता। यूं तो हमने काफी ज्यादा कम ही लेडी गैंगस्टर के बारे में सुना है, वही ये लेडी गैंगस्टर अक्सर किसी न किसी बड़े डॉन या फिर किसी बड़े गैंगस्टर की कोई रिश्तेदार होती है जिसने मुश्किलों के समय में अपने गैंग की रखवाली करने के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया। लेकिन शिल्पा जावेरी के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। शिल्पा जावेरी एक ऐसी गैंगस्टर थी जो अपनी मर्जी से अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनी और जिसने ये साबित कर दिखाया कि वो अपने गैंग के सभी मेंबर्स के लिए ही नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक बड़े डॉन के लिए हमेशा तैयार है और उनकी हर तरह से मदद कर सकती है। जी हाँ, शिल्पा खूंखार गैंगस्टर समद खान की काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। यूं तो शिल्पा किस किस जुर्म के पीछे थी ये आज तक पता नहीं चला, लेकिन ये बात सब जानते थे कि जब भी उनकी किसी दोस्त या किसी भी साथी को किसी तरह की मदद की जरूरत होती थी तो शिल्पा अपनी पूरी कोशिश करती थी कि वो अपने गैंग के सभी लोगों की मदद कर सके। कई बार उनके काफी साथियों को उन्होंने पैसे से और कई क्राइम से मदद करी थी, लेकिन सबसे मशहूर दास्ता है जब उन्होंने अपने ही दोस्त समद खान के लिए एक ऐसा जोखिम उठाया जहां वो पुलिस की आंखों के सामने से इतने बड़े डॉन को फरार कर ले गई। हुआ ये कि समद खान काफी समय से पुलिस की पकड़ में था और जब उसको रिहा किया गया तो शिल्पा ने उसे कार में बिठाकर फरार कर दिया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये पता चलता है कि दरअसल समद खान जब रिहा हुआ तो पुलिस उसे एक दूसरे मामले के लिए अरेस्ट करने के लिए तैयार थी और उसे फिर से जेल भेजने की फिराक में थी। रिहाई के वक्त जब शिल्पा ने अपनी गाड़ी में उसे बिठाया तो रोड के दूसरी तरफ पुलिस उस पर नजर गड़ाए बैठी थी, लेकिन उतने में शिल्पा ने तेज रफ्तार कार ने एंट्री और समद को लेकर फुर हो गई। समद खान एक ऐसा गैंगस्टर था जो कि मशहूर डॉन करीम लाला का भतीजा था। ऐसे में शिल्पा जावेरी के करीम लाला के साथ भी काफी अच्छे ताल्लुक रखती थी। कुछ समय बाद समद खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन शिल्पा जावेरी का नाम आज भी लोग इस कहानी के लिए जानते हैं। यकूजा गैंग एक जापानी गैंग है जो कि 17वीं शताब्दी में बना था। इसे बुराकुमिन जनजाति के लोगों ने मिलकर बनाया था। इसे जापानी की सबसे छोटी जातियों में से एक माना जाता था। इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, लोग इन्हें अपनाते नहीं थे और नीचा दिखाते थे। इनके पास कोई काम नहीं था और इनकी अनदेखी भी होती थी। ऐसे में इन लोगों ने चोरी, डकैती और जुए जैसे काले धंधे अपना लिए। ये जनजाति भी दो हिस्सों में बटी थी, बकुटो और टेकिया। टेकिया वर्ग के लोग चोरी डकैती से मिले सामान को बाजार में बेच दिया करते थे, वहीं बकुटो जुए के धंधे चला रहे थे।
ये लोग धीरे धीरे पूरे जापान में फेमस होने लगे और इनके सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। आगे चलकर ये यकूजा के नाम से पहचाने जाने लगे। ये जापान के संगठित क्राइम सिंडिकेट है। यकूजा गैंग के लोगों पर जापानी सरकार की नजर तो पड़ी मगर उन्हें रोकने के लिए कुछ खास किया नहीं गया। ऐसे में उनकी हिम्मत बढ़ी और वो फिर चोरी डकैती की तक नहीं रुके। वो ब्लैकमेलिंग, अवैध निर्माण, प्रॉपर्टी डीलिंग, किडनैपिंग और वैश्यवृत्ति जैसे गैर कानूनी कामों में भी अपनी जगह बनाने लगे। इस तरह यकूजा जापान का सबसे खतरनाक गैंग बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के वक्त इस गैंग के सदस्यों की संख्या करीब 2 लाख तक पहुंच गई थी। जापान सरकार ने खुद 2007 में बताया था कि वहां और दूसरे देशों में कुल 102,000 यकूजा मेंबर एक्टिवेट थे। ये सभी 2500 अलग अलग परिवार से संबंध रखते हैं। मगर ओयाबुन को जहां बड़ा गिलास भरकर दिया जाता है, वहीं कोबुन को गिलास में थोड़ी ही शराब दी जाती है। ऐसा इसलिए कि ड्रिंक में आपका ओहदा पता चलता है। ड्रिंक ज्यादा मतलब स्टेटस में बड़ा। हालांकि इस गैंग के बहुत से नियम है जो इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। अगर किसी गैंग मेंबर ने कोई गलती की या दूसरे सदस्य के साथ गलत व्यवहार किया तो ऐसा करने वालों को अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली का अगला भाग काटना पड़ता है। ऐसा हर गलती पर करना पड़ता है। इसके अलावा यकूजा की पहचान भी काफी दर्दनाक है। और ऐसे ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय किरण दंदूर अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें एक गैंगस्टर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। जब भी बात अंडरवर्ल्ड की आती है तो उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम हमेशा आता है। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम है जिसके कहने से ही मुंबई का कमिश्नर तक बदल दिया जाता है। दाऊद इब्राहिम कास्कर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। दाऊद इब्राहिम के माता पिता बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल की पोजीशन पर थे। दाऊद को बचपन में ही अल्कोहल की आदत लग गई, जिस वजह से जब उसे इस काम के लिए घर से पैसे मिलने बंद हो गए तो वो चोरी, लूट और ड्रग सप्लाई जैसे क्राइम्स को अंजाम देने लगा। दाऊद का कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगा। उसने अपनी बुरी आदतों की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। दाऊद इब्राहिम ने अपना बचपन करीम लाला, हाजी मस्तान जैसे डॉन को देखकर गुजारा। दाऊद क्योंकि इन लोगों से प्रभावित था, इसी वजह से वो आगे जाकर करीम लाला के ग्रुप में शामिल हो गया। लेकिन उसके बाद दाऊद ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी अलग गैंग बना ली। 1980 तक दाऊद ने अपना नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सबसे ऊपर बनाए रखा। इसी वजह से दाऊद की पहुंच अब बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर गैम्बलिंग की दुनिया तक पहुंच गई थी। दाऊद का आतंक 80 के दशक में इतना बढ़ गया था कि वो अब लोगों को धमकाकर फिरौती लेने लगा था। मुंबई पुलिस उसे पकड़ने के पीछे काफी दिनों से थी, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर दुबई भाग गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात दूसरे डॉन से हुई, जिसका नाम छोटे राजन था। दोनों ने मिलकर भारत के बाहर से क्राइम को अंजाम दिया। दाऊद विदेश में बैठकर कई आतंक समूह और अपनी गैंग की मदद से भारत में कई क्राइम्स को अंजाम देता रहा। 12 मार्च 1993 को मुंबई में कई जगह भारी बॉम्ब धमाके हुए। हालांकि इस धमाके के बाद छोटे राजन और दाऊद की दोस्ती में दरार पड़ गई और दोनों की दोस्ती भारी दुश्मनी में बदल गई, जिसके बाद दोनों अलग हो गए। वहीं समय समय पर भारत में दाऊद को लाने की मांग उठती रहती है और इस वजह से भारत पाकिस्तान पे प्रेशर बनाता रहा। लेकिन दाऊद भी अपने ठिकाने को लगातार बदलता रहा, जिस वजह से वो आज तक भारत की पकड़ में नहीं आ पाया। दाऊद ने कई बार अपने नाम और पहचान बदले हैं और इसके बाद क्राइम को अंजाम दिया है। दाऊद को लेकर कहा जाता है कि वो पुलिस से बचने के लिए कई बार अपने चेहरे की सर्जरी भी करवा चुका है। दाऊद के पास 4 पासपोर्ट हैं। कहा जाता है कि दाऊद की पकड़ आतंकी ग्रुप लश्कर-ए-तायबा से भी है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि दाऊद आतंकी ओसामा बिन लादेन को भी जानता था। 2003 में दाऊद को इंडिया और यूएसए द्वारा एक ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस कर दिया गया है। तो दर्शकों, ये थी भारत के मोस्ट वॉन्टेड डॉन दाऊद इब्राहिम की कहानी। ऐसी और कहानियां जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियो। KGF 3 को लेकर कहा जा रहा है कि रॉकी इस बार ना अमेरिका का रुख कर सकता है, जहां पे उसकी मदद अमेरिकन माफिया करेंगे। तो आखिर किस तरह का किरदार होगा इस अमेरिकन माफिया का, आइए जानते हैं। एल्सवर्थ रेमंड बम्पी जॉनसन का जन्म 31 अक्टूबर 1905 को अमेरिका के साउथ कैरोलिना के
चार्ल्सटन में एक ब्लैक फैमिली में हुआ था। जब जॉनसन 10 साल का था तो उसके बड़े भाई विली पे एक व्हाइट आदमी की हत्या करने का आरोप लगा था। बम्पी के माता पिता को डर था कि कहीं मॉब लिंच ना हो जाए, इस वजह से ना उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया ताकि वो पैसा जमा कर सके और विली को सुरक्षित उसके रिलेटिव के यहाँ नॉर्थ कैरोलिना में छोड़ सके। जॉनसन को बम्पी नाम उसके सर के पीछे मौजूद एक बम्प की वजह से मिला था। जैसे जैसे जॉनसन बड़ा हो रहा था वैसे वैसे ना उसके माता पिता जॉनसन के टेम्पर को लेकर काफी परेशान थे। जॉनसन वाइट्स के प्रति ना काफी बदतमीज होते जा रहा था, जो बात उसके माता पिता को परेशान कर रही थी। इसी कारण जॉनसन को हार्लेम उसकी बड़ी बहन मेबल के पास भेज दिया गया। हार्लेम न्यूयॉर्क के पड़ोस में स्थित एक शहर है। जॉनसन हाई स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया था और अनियंत्रित नौकरियां करने लगा था। ये वही वक्त था जब गैंगस्टर विलियम हेवेट ने जॉनसन को नोटिस किया, जिसके बाद जॉनसन ने विलियम के लिए ना काम करना शुरू कर दिया और अपने क्राइम के करियर की शुरुआत की। जॉनसन नंबर यानी की लॉटरी गेम की क्वीन कही जाने वाली सेंट क्लेयर का सहयोगी था। 1930 में जॉनसन क्लेयर का मेन लेफ्टिनेंट बन गया। सेंट क्लेयर और जॉनसन का मकसद था कि वो न्यूयॉर्क मॉबस्टर डच शुल्ट्स के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करे। इस लड़ाई में 40 लोगों के मर्डर के अलावा कई लोगों की किडनैपिंग भी हुई। वहीं कुछ ही वक्त में जॉनसन के लिए ना एक सौदे के साथ डच की टीम ये लड़ाई हार गई। इस लड़ाई में जॉनसन ने डच की हत्या कर दी थी। जॉनसन ने उस दौरान अपना गैम्बलिंग का भी धंधा बनाए रखा था। जॉनसन अब अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में फेमस हो गया था और लोग ना उसका सम्मान करने लगे थे। 1952 में जॉनसन की एक्टिविटी अमेरिका की मैगजीन जेट के सेलिब्रिटी सेक्शन में प्रकाशित हुई। हीरोइन की स्मगलिंग करने की वजह से ना जॉनसन को उसी साल 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 2 साल बाद जेट के क्राइम सेक्शन के कॉलम में जॉनसन को लेकर एक खबर प्रकाशित हुई कि जॉनसन अब आगे की अपनी जिंदगी ना जेल में बिताएगा। जॉनसन ने सैन फ्रांसिस्को की अल्कट्राज जेल में अपनी सजा पूरी की। हालांकि 1963 में जॉनसन जेल से पैरोल पे रिहा हो गया। जब जॉनसन रिहा हुआ तो उसका स्वागत करने के लिए ना लोगों की परेड खड़ी थी। जॉनसन अपनी जिंदगी में 40 से ज्यादा बार अरेस्ट हुआ था और करीब 2 बार उसे नारकोटिक्स की तरफ से जेल की सजा मिली थी। जॉनसन जब हार्ट अटैक से मरा तब उसके ऊपर ना ड्रग्स को लेकर कई चार्जेस लगे हुए थे। जॉनसन की मौत 62 साल की उम्र में 7 जुलाई 1968 को हुई। तो ये थी माफिया बम्पी जॉनसन की कहानी। इस तरह के क्राइम बॉस को हम KGF चैप्टर 3 में देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से अलविदा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। दाऊद इब्राहिम को कौन नहीं जानता। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा आदमी है जिसके ऊपर ना जाने कितनी ही बॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं और उसके पीछे पूरी दुनिया की पुलिस पड़ी हुई, जहां उसको कई बार देखा गया है और उसके बारे में हर दूसरे दिन हमें कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिलती है। वही दाऊद इब्राहिम के साथ वाली भी हमेशा खबरों में देखने को मिलते हैं और यही वजह है कि दाऊद इब्राहिम से ताल्लुकात रखने वाले हर एक आदमी को एक बहुत बड़ा क्रिमिनल माना जाता है। लेकिन अगर उनके साथियों के किसी एक लेडी गैंगस्टर का नाम सामने आता है तो वो है रेशमा। रेशमा मेमो एक ऐसी लेडी गैंगस्टर के तौर पर मशहूर हुई जिसे अलग अलग क्राइम के लिए जाना जाता है। रेशमा मेमोन दरअसल टाइगर मेमो की बीवी थी और शुरुआत में उसे क्राइम और गैंगस्टर के किसी भी काम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन समय के साथ उसने अपने पति का साथ दिया और ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज में अपने पति को मदद करने लगी। ये कपल दरअसल 1993 के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। रेशमा मेमोन अपने खौफ के लिए पूरे मुंबई में मशहूर थी और ब्लैक फ्राइडे जैसे खतरनाक टेररिस्ट एक्टिविटी के पीछे भी दरअसल रेशमा मेमोन ही थी। उसका खौफ और उसका कहर इतना ज्यादा था कि मुंबई पुलिस ने दरअसल उसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए 25,000 का कैश प्राइस रखा था, लेकिन इसके बाद भी बहुत कम लोग रेशमा मेमोन के बारे में जानकारी देने के लिए पुलिस के पास आते थे। उसे इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू कर दिया था। ये कपल रेशमा मेमोन और टाइगर मेमो एक साथ दाऊद इब्राहिम के बहुत कामों में उसका साथ देते थे और ये भी माना जाता था कि दरअसल रेशमा मेमोन अलकायदा और लश्कर तोयबा जैसे खतरनाक टेररिस्ट एलिमेंट से भी ताल्लुकात रखती है। रेशमा मेमोन इतनी बड़े बड़े क्राइम के पीछे मशहूर थी, लेकिन मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उसका खौफ और उसका डर बहुत ज्यादा फैल गया। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से ही रेशमा और टाइगर दोनों ही मुंबई पुलिस की लिस्ट में सबसे ऊपर है, लेकिन आज तक रेशमा मेमोन को पुलिस पकड़ नहीं पाई है और उसका ठिकाना कहाँ है और उसका अलग प्लान क्या है ये कोई नहीं जानता।
ऐसे बड़े और मशहूर गैंगस्टर की कहानियों में रेशमा महमूद सबसे हटकर सामने आती है, क्योंकि इसके बारे में मुंबई पुलिस अभी तक बहुत कम जानती है। तो क्या लगता है आपको, क्या KGF चैप्टर 3 में हमें किसी ऐसे ही गैंगस्टर के बारे में देखने को मिलेगा? ऐसी कहानियां हमें बहुत देखने को मिलती हैं और इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। और आप? 1993 में हुए मुंबई बम धमाके का दोषी याकूब मेमन को 2015 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। याकूब मेमन का जन्म 30 जुलाई 1962 को मुंबई में हुआ था। वो अब्दुल रजाक मेमन के 6 बेटों में से तीसरा था। याकूब अपने पूरे परिवार में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। याकूब इंग्लिश मीडियम के स्कूल से पास हुआ और हायर स्टडीज के लिए बीकॉम की डिग्री हासिल की। बाद में वो 1990 में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA बन गया। 1991 में याकूब ने अपने बचपन के दोस्त चेतन मेहता संग मेहता एंड मेमन एसोसिएट्स की शुरुआत की। ये कंपनी असल में चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म थी। हालांकि दोस्त के अलग हो जाने के 1 साल बाद याकूब ने अपनी खुद की फर्म AR एंड सन्स खोली, जो कि उसके पिता के नाम पे थी। ये कंपनी इतनी सफल रही कि याकूब को बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मेमन कम्युनिटी द्वारा मिला। जल्द ही याकूब ने अपनी कंपनी तेज रात इंटरनेशनल की शुरुआत की, जो कि पर्शियन गल्फ में और मिडिल ईस्ट में मीट के प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट में शामिल थी। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर मिली सफलता के बाद याकूब ने माहिम दरगाह के पास स्थित एक बिल्डिंग के 6 फ्लैट्स में इन्वेस्ट किया। याकूब अपने भाई टाइगर मेमन और दाऊद को फाइनेंशियली असिस्ट करता था। 1993 में पूरी मुंबई धमाके से हिल गई थी। इस धमाके में 257 लोगों की जाने गई थी, जबकि 700 से भी अधिक लोग इस धमाके की वजह से घायल हुए थे। इस धमाके का मेन मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम और याकूब मेमन का भाई टाइगर मेमन था। इस धमाके के बाद जहां टाइगर देश छोड़ के पाकिस्तान भाग गया था, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने 1994 में याकूब को पूरे परिवार के साथ गिरफ्तार कर लिया था। याकूब के खिलाफ हमले में मदद करने और उकसाने के लिए केस फाइल की गई। याकूब पर दोषियों के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कराना, हमले में शामिल होने वाली गाड़ियों का इंतजाम करना जैसे आरोप लगे। याकूब के द्वारा की गई दया की अपील के बावजूद कोर्ट ने उसे 2007 में फांसी की सजा सुनाई। याकूब को इस घटना के 22 साल बाद यानी कि 30 जुलाई 2015 को फांसी की सजा सुनाई दी गई। याकूब को जिस दिन फांसी दी गई उसी दिन उसका जन्मदिन भी था। तो ये कहानी थी 1993 के मुंबई हमले के आरोपी याकूब मेमन की। एक CA का ऐसा अनोखा अंत शायद ही किसी ने सोचा होगा। चल दोस्तों, क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? हमें एक से बड़े एक माफिया हुए हैं, लेकिन पाब्लो एस्कोबार जैसा कोई नहीं। पाब्लो एस्कोबार पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकेन के नाम से कुख्यात था। पाब्लो इतना शातिर और खतरनाक था कि दूसरे खूंखार तस्कर भी उसको हफ्ता देते थे। इतना ही नहीं, दुश्मनों ने पाब्लो को मारने के लिए 16 अरब रुपए खर्च कर डाले थे। पाब्लो ने 1970 के दशक में कोकेन के कारोबार में कदम रखा था। इस दौरान उसने अन्य माफियाओं के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल बनाया। पाब्लो ने ड्रग्स के धंधे में काफी पैसा कमाया था। 80 के दशक में दुनिया भर के करीब 80% बाजार पर पाब्लो के मेडेलिन कार्टेल को भागीदार थे। इतने बड़े अवैध धंधे के कारण एस्कोबार के काफी दुश्मन भी थे। पाब्लो को मरवाने के लिए उसके दुश्मनों ने करीब 16 अरब रुपए खर्च कर डाले, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी। पाब्लो एस्कोबार के कारोबार में जिस किसी ने भी टांग अड़ाई, पाब्लो ने उसकी हत्या करवा दी। अपने दुश्मन की कार को बम से उड़ाना हो या फिर किसी बड़े नेता की जान लेना, पाब्लो के लिए ये सब मामूली बात हो गई थी। उसने पैसेंजर से भरी फ्लाइट तक को उड़वा दिया था। इतना ही नहीं, कोलंबिया का राष्ट्रपति बनने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट तक को बम से उड़ा दिया था। बताया जाता है कि पाब्लो ने करीब 4000 लोगों की हत्या करवाई थी, जिसमें करीब 200 न्यायाधीश और 1000 पुलिस, पत्रकार और सरकारी अधिकारी शामिल थे। पाब्लो एस्कोबार के बारे में कहा जाता है कि उसने ड्रग्स के धंधे में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी पूरी कमाई का 10% हिस्से को तो यूं चूहे ही कुतर गए थे। फिर उन्हें दीमक लग गई थी। एस्कोबार के पास इतना कैश था कि वो हर महीने करीब 2500 अमेरिकी डॉलर तो सिर्फ रबर बैंड पर ही खर्च कर देता था।
पाब्लो की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने कोलंबियाई सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खुद ही खास जेल तैयार कराई थी। इस दौरान उसने शर्त रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती। पाब्लो एस्कोबार अमेरिका की जेलों में जाने से डरता था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी के आखिरी दिन अमेरिका की जेलों में ना बीते। इसके लिए पाब्लो ने अमेरिका के सामने कोलंबिया के पूरे कर्ज को उतारने की पेशकश तक कर दी थी। बदले में उसने प्रत्यर्पण कानून में बदलाव की मांग भी की थी। पाब्लो को 44 साल की उम्र में एक गोली मार दी गई थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उसने खुद को गोली मार ली थी क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका की जेल में नहीं जाना चाहता था। और ऐसी ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय करंगदूर अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें एक गैंगस्टर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। ये कहानी है दोस्तों जर्मनी के नामी गैंगस्टर कार्लोस लेदर की। 1949 में जन्मे कार्लोस लेदर के पिता एक इंजीनियर थे और उसकी माँ हाउसवाइफ थी। कार्लोस के 3 भाई भी थे। अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद लेदर बुरी संगत में पड़ जाता है और यहीं से वो अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। लेदर ने कार्स को चोरी करना और उन्हें बेचना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वो अमेरिका और कनाडा के बीच चोरी की कार्स की तस्करी भी शुरू कर देता है। लेकिन उसका ये धंधा ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है और वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। जेल में अपनी सजा काटते समय वो डिसाइड करता है कि अब वो कार की तस्करी नहीं बल्कि कोकेन के बढ़ते बाजार का लाभ उठाएगा। और वहीं जेल में वो जैंग नाम के एक लड़के को अपना पार्टनर बना लेता है। जेल में रहते हुए लेदर ने कोकेन बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर ली जो उसके लिए उपयोगी हो सकती है। इसके साथ ही वो मनी लॉन्ड्रिंग और तस्करी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकालता था। लेदर और जैंग ने जेल से रिहा होते ही नशीली दवाओं की तस्करी का एक छोटा सा धंधा शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने 2 अमेरिकन लड़कियों को हायर किया जो उनके लिए कोकेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती थी। देखते ही देखते उनके पास अच्छा खासा पैसा जमा होना शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद वो एक प्लेन को भी चुरा लेते हैं और एक प्रोफेशनल पायलट की मदद से वो अमेरिका में कोकेन का बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। अब प्लेन की हेल्प से वो दूर दूर तक आसानी से कोकेन को ट्रांसफर कर पा रहे थे। इससे उन्हें फाइनेंशियल प्रॉफिट तो हो ही रहा था, साथ ही उनका कोलंबियन सप्लायर्स के साथ ट्रस्ट भी बन रहा था और अब अमेरिका में उनके कोकेन बिजनेस को लेकर अच्छा खासा नाम हो गया था। 1970 के दशक में लॉस एंजलिस, लास वेगास, न्यूयॉर्क, मायामी जैसे और भी कई शहरों के लोग ड्रग्स को एक नेसेसिटी की तरह लेने लगे थे और इसलिए कोकेन की मांग और भी बढ़ गई थी। कुछ समय बाद आपसी रंजिशों के चलते लेदर और जैंग अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपना बिजनेस जारी रखता है और दूर दूर तक कोकेन की स्मगलिंग करता है। 1970 के एंड तक यूएस में जितनी ज्यादा कोकेन की डिमांड थी उतने ही ज्यादा सप्लायर्स भी थे, इसलिए हर एक सप्लायर्स ने अपनी अपनी टेरिटरी मार्क कर ली थी। 1978 में लेदर को उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट मिलती है जब लेदर को बहामास के एक आइलैंड के बारे में पता चलता है। इस आइलैंड पर वो अपने कोकेन की सप्लाई करने लगता है, साथ ही उसके प्लेन की लैंडिंग के लिए भी वहाँ पे अच्छी खासी जगह थी। इसके बाद उसके लिए ये बिजनेस और भी ज्यादा आसान हो जाता है। वो कोकेन को इजीली ट्रांसपोर्ट कर रहा था और देखते ही देखते वो एक बिलियनियर बन जाता है। कुछ समय बाद वो कोकेन के बिजनेस के राजा एस्कोबार के साथ मिलकर एक्सट्रैडिशन के खिलाफ कैंपेन करने लगता है। उसके बाद वो नेशनल लैटिनो मूवमेंट शुरू करते हैं जिससे उन्हें 3 कांग्रेशनल सीट्स मिलती है जिसमें से एक तो एस्कोबार को ही मिलती है। लेकिन 1984 में कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर की हत्या हो जाती है और ये हत्या एस्कोबार के ही एक आदमी के हाथों होती है, जिसके बाद एस्कोबार को कांग्रेस से हटाने की बातें शुरू हो जाती है जिससे कि एस्कोबार का प्रेसिडेंट बनने का सपना भी टूट जाता है। साथ ही इस घटना से अब कोकेन के बिजनेस पर भी असर पड़ने वाला था। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने एक्सट्रैडिशन के लिए हर एक इंडिविजुअल की लिस्ट मंगाई थी और जिसमें लेदर का नाम भी शुमार होता है। सरकार लेदर के सभी बैंक अकाउंट्स को सील कर लेती है और वो बिलियनेयर से सीधा आ जाता है बैंकक्रप्ट वाली लिस्ट में। जी हाँ दोस्तों, पुलिस से बचने के लिए लेदर जंगलों में छुप जाता है जहाँ उसकी खाने पीने की व्यवस्था एस्कोबार ही कराता है।
लेकिन लेदर को वहाँ कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसके बाद मेडिकल हेल्प के लिए एस्कोबार उसे वापस बुला लेता है। कोलंबिया में लेदर का इलाज चलता है लेकिन पुलिस को इस बारे में पता चल जाता है और वो उसे अरेस्ट कर लेती है जिसके बाद उसके ऊपर केसेस चलने लगते हैं। लेदर को उम्र कैद की सजा हो जाती है लेकिन 1992 में उसकी सजा 55 साल की कैद की हो जाती है जिसके बदले में वो सरकार को यूएस में चल रहे ड्रग डीलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। 2018 में लेदर को कैंसर की शिकायत होती है और 2020 में हालात ज्यादा खराब होने पर कोलंबिया सरकार उसे जेल से रिहा कर देती है। अब उसका जेल से बाहर ही इलाज चल रहा है। तो ये थी कोलंबिया के एक ड्रग डीलर की कहानी और ऐसे ही एक माफिया की कहानी पर बेस्ड होने वाली आने वाली फिल्म KGF 3 भी। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। और हाँ दोस्तों मैं अंजलि जाते जाते आपको एक गुड न्यूज तो दे दूं, अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। कहानी द डेडली डॉन की। ये कहानी है 21 जनवरी 1897 को इटली में जन्मे वीटो जेनोवेसे की। वीटो का जन्म इटली में ही हुआ था लेकिन 15 साल की छोटी सी उम्र में ही वो अपना परिवार छोड़कर यूएसए चला गया था। ये 1930 का शुरुआती दौर था। अब वीटो लकी लुसियानो के लिए ही काम करने लगा था लेकिन वीटो सेल्फ मेड माफिया था इसलिए वो हमेशा से ही कुछ बड़ा करना चाहता था। कुछ समय लकी लुसियानो के अंदर काम करने के बाद उसने पूरी तरह से सोच लिया था कि वो मौका पाते ही कुछ अलग करेगा। वो खुद की ही एक क्राइम फैमिली एम्पायर बनाना चाहता था जिसमें उसे किसी के अंदर काम भी ना करना पड़े। वो मौके की तलाश में था और लकी ने उसका साथ दे दिया। एक मर्डर केस के चलते लकी लुसियानो को 30 साल की जेल हो जाती है और वीटो को भी यूएस का सिटीजनशिप मिल जाता है और वो लकी लुसियानो की गद्दी भी संभालने लगता है। लेकिन अब FBI की नजर लुसियानो पर पड़ गई थी क्योंकि वीटो को यूएस की सिटीजनशिप मिल गई थी इसलिए अब उसकी क्राइम और हिस्ट्री भी रिकॉर्ड होने लगा था। FBI इसी सिलसिले में वीटो से पूछताछ करना चाहती थी और अगर वीटो की सच्चाई सामने आती तो उससे उसकी सिटीजनशिप भी वापस ले ली जाती और उसे जेल भी हो जाती जिसकी वजह से उसे FBI से भागना पड़ रहा था। FBI की नजर उस पर ही थी और बचने के लिए वो अपने होम कंट्री इटली आ जाता है। उसके जाते ही उसकी जगह फ्रैंक कैस्टिलो ले लेता है। अपना सब कुछ खो जाने पर भी वीटो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोता। एक पावरफुल फोर्स वो फिर से बना लेता है और वो वहाँ भी अपना टेरर कायम कर लेता है। यूएस जाने के बाद 1950 में उसने वहाँ के एक माफिया कार्लो गैम्बिनो के साथ टीम बनाई और उन्होंने आपस में एक प्लान बनाया कि वो अल्बर्ट एनास्टासिया और फ्रैंक कोस्टेलो की हत्या कर देंगे क्योंकि वो दोनों उस समय के माफिया लीडर्स बने थे और वीटो को उसकी गद्दी भी वापस चाहिए थी। उनका एम था कि वो करंट लीडरशिप को बदल देंगे जो कि है लुसियानो फैमिली और एनास्टासिया फैमिली की। प्लान के अकॉर्डिंग गैम्बियो एनास्टासिया फैमिली को खत्म करेगा और वीटो लुसियानो फैमिली को और मारने के बाद वो खुद की एक फैमिली बनाएंगे। 1957 में एनास्टासिया मारा गया और कोस्टेलो वहां से भाग गया जिसके बाद यूएस में दो नई फैमिलीज गैम्बिनो फैमिली और जेनोवेसे फैमिली का जन्म होता है। लेकिन 1958 में वीटो के ऊपर नारकोटिक्स चार्जेस लग जाते हैं जिसकी वजह से वीटो को 10 साल की जेल हो जाती है। वीटो के जेल जाने के बाद उसकी फैमिली को गैम्बिनो संभालने लगा लेकिन जब वो जेल में अपनी सजा काट रहा था तभी उसे एक बीमारी हो जाती है और 1969 में उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के 50 साल बाद आज भी जेनोवेसे फैमिली इसी नाम से बुलाई जाती है। वीटो जेनोवेसे का टेरर की वजह से लोग उसे डेडली डॉन द माफिया म्यूजियम द मॉब बॉस जैसे नामों से बुलाते हैं। KGF 3 में भी ऐसे ही मॉब की स्टोरी पर बेस्ड स्टोरी दिखाई जाने वाली है। तो आज की हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। इसकी ये कहानी है एक अमेरिकन क्रिमिनल की। अमेरिका का एक ऐसा गैंगस्टर जिसे आवाम का नंबर 1 दुश्मन कहा जाता था और उसका नाम है जॉन डिलिंजर। जॉन का जन्म 22 जनवरी 1903 में इंडियाना में हुआ था। उसे बचपन में ना सब जॉनी कहकर बुलाते थे लेकिन जैसे ही ये जवान हुआ इसका नाम जैक रैबिट रख दिया गया था क्योंकि ये क्राइम करने के बाद पुलिस से बहुत फुर्ती से भागा करता था। जॉन बचपन से ही छोटी मोटी चोरियां करता रहता था जिसके बाद उसके पिता ने ना उसे नेवी में भर्ती कर दिया। कुछ महीने वहां सीखने के बाद ना उसका अमन वहां नहीं लगा और एक दिन सबसे छुपकर ना वो वहां से भी भाग जाता है। फिर वापस अपने होम टाउन आ जाता है
वापस आने के बाद उसने 1924 में बड़े अपराध की तरफ अपना पहला कदम रखा। काफी समय से उसकी नजर इंडियाना के एक ग्रोसरी शॉप पर थी। उसने सोचा कि अब वो उस ग्रोसरी शॉप को ना अपना निशाना बनाएगा और एक दिन मौका पाते ही उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ उस ग्रोसरी शॉप को ना लूट लिया। पर उसकी पहली लूट में किस्मत ने ना उसका साथ नहीं दिया। जैसे ही वो ग्रोसरी शॉप लूट कर वहां से भागने लगा, पुलिस उसके पीछे पड़ी और काफी दूर पीछा करने के बाद वो पुलिस के हाथों लग जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल में रहकर वो कई चोरों से मिलता है और उनके एक्सपीरियंस को जानता है, लेकिन अब उसका मन ना जेल में भी नहीं लग रहा था, इसलिए कुछ दिनों वहां रहने के बाद वो जेल से फरार हो गया और अपने गैंग को लेकर शिकागो भाग आया। वो सभी शिकागो पहुंच जाते हैं और वहां जॉन डेलिंजर अपनी गैंग को चोरी और डकैती के लिए ना ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि शिकागो में वो कोई छोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे, अब वो सीधे बैंक पर अपना हाथ साफ करेंगे। जॉन डेलिंजर उन सभी को बैंक लूटने की ट्रेनिंग देने लगा और फिर धीरे धीरे करके ना वो अमेरिका के सभी छोटे बड़े बैंक्स को लूटने लगे। और कुछ ही सालों में जॉन डेलिंजर और उसका गैंग अमेरिका का बैंक लूटने वाला सबसे बड़ा गैंग बन गया। 1924 में जॉन डेलिंजर की मुलाकात बैरल से होती है और उसे ना वो बहुत पसंद आती है, जिसके बाद वो उससे शादी कर लेता है। लेकिन शादी के बाद उनके एक्सपेंसेस बढ़ने लगे थे, चोरी और लूट की भी कोई कंफर्म टाइमिंग नहीं होती थी। उसे महसूस हुआ कि उसके पास परमानेंट इनकम का कोई भी जरिया नहीं है, इसलिए उसने अब ये डिसाइड किया कि अब वो अपनी वाइफ की जरूरतों को पूरा करने के लिए ना एक परमानेंट इनकम का इंतजाम करेगा और उसने खुद के लिए एक नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। शुरुआती समय में तो जॉन को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास कोई खास स्किल थी। लेकिन फिर बहुत ढूंढने के बाद ना उसे एक सोफा बनाने वाली दुकान में नौकरी मिलती है। उसका काम था लकड़ियों पर गद्दी लगाना। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ बास्केटबॉल प्लेयर से होती है। उनको खेलता हुआ देख जॉन डेलिंजर का इंटरेस्ट बास्केटबॉल में बढ़ता है और वो उनके साथ खेलने लगता है। उनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। 1924 में उसके ही बास्केटबॉल टीम के एक मेंबर ने उसे बताया कि हर रोज एक दुकानदार पैसों से भरा हुआ बैग लेकर ना उनके ग्राउंड के सामने से गुजरता है। पूरे दिन अच्छा खासा माल कमाने के बाद वो शाम को पैसे लेकर अपने घर जाता है। ये बात जॉन डेलिंजर के ना मन में बैठ गई थी और उसने उस टीम मेंबर के साथ मिलकर ना ये डिसाइड किया कि वो उस दुकानदार से उन पैसों को लूट लेंगे। प्लान के अकॉर्डिंग जॉन उसके बैग को छीनेगा और उसकी बास्केटबॉल टीम का जो दूसरा प्लेयर था ना कुछ दूरी पर कार लेकर खड़ा होगा, और जैसे ही जॉन डेलिंजर पैसे छीनकर उसके पास आएगा वो कार को तेजी से चला देगा सो दैट पैसा लेते ही ना वो गाड़ी में बैठ जाए और वहां से फरार हो जाए। जॉन के पास एक पिस्टल भी थी। दुकानदार जब पैसे लेकर वहां से निकल रहा होता है ना तो जॉन उसके पास जाता है और उससे पैसे जो है वो छीनने लगता है। दुकानदार जो है वो घबरा जाता है और वो जॉन से ना हाथापाई करने लगता है। इसी दौरान जॉन की जो बंदूक होती है ना वो जमीन पर गिर जाती है और मौका पाते ही वो जो दुकानदार होता है ना वो पिस्टल को उठा लेता है और जॉन के ऊपर ट्रिगर करता है। ये देखकर जॉन ना डर जाता है और कार की तरफ भागने लगता है। इसी शोर को सुनकर चौराहे की पुलिस भी वहां आ जाती है, जिसे देखकर कार में बैठा जो बास्केटबॉल टीम का प्लेयर है ना वो डर जाता है। उसे लगता है कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ उसे जेल में भी डाल दिया जाएगा। इसी डर से वो कार लेकर भाग जाता है, लेकिन जॉन जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है, जिसके बाद जॉन को कोर्ट 20 साल की सजा सुना देता है। जेल में उसकी मुलाकात हैरी और होमर से होती है। साथ रहते उनके बीच ना अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान 1933 में जॉन की सौतेली माँ की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसे कुछ समय के लिए ना कोर्ट द्वारा बेल मिल जाती है। लेकिन उसने इस बेल का भी ना पूरा फायदा उठाया और बाहर आते ही बहुत सारे हथियार और असलमों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जेल में रहने के दौरान उसने अपना अच्छा खासा कॉन्टैक्ट वहाँ बना ही लिया था और उन्हीं सोर्सेज के जरिए ना उसने अपने दोस्त हेनरी और होमर के पास जेल में उन हथियारों को पहुंचा दिया, जिसके बाद वो दोनों भी जेल से भागने में कामयाब हो गए और अब तीनों ने मिलकर ना एक गैंग बना दी जिसका नाम डेलिंजर गैंग था। उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी दुकानों को लूटा और लूटने के बाद बड़ी ही आसानी से वो वहां से फरार हो जाते थे। उनकी इस लूटपाट से ना सरकार और नागरिक दोनों ही परेशान थे। पुलिस काफी समय से जॉन डेलिंजर की इस गैंग को ना पकड़ना चाह रही थी, लेकिन हर बार वो लोग बच निकलने में कामयाब हो जाते थे। अब ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI को सौंपा गया। पहले तो FBI ने जॉन को पब्लिक एनिमी नंबर 1 का खिताब दे दिया और फिर जॉन को पकड़ने के लिए ना अपने सोर्सेस को लगा दिया।
उन्होंने जॉन की वाइफ के दोस्त से कॉन्टेक्ट किया, जिसके जरिए उन्हें यह पता चला कि जॉन और उसकी वाइफ 22 जुलाई 1934 को मूवी देखने जाने वाले हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पुलिस भी वहां पहुंचती है। जॉन शाम को अपनी वाइफ के साथ जब मूवी थिएटर से बाहर आता है तो सामने खड़ी पुलिस मौका देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर देती है और बस इसी तरह अमेरिकन पब्लिक के इस एनिमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि इस बार KGF 3 में सुपरस्टार यश जॉन डिलिंजर का ही किरदार निभाते नजर आएंगे और फिल्म में उन्हीं की कहानी को दर्शाया जाएगा। और ऐसी ही एक माफिया की स्टोरी से इंस्पायर्ड होगी KGF 3 की स्टोरी और आज की हमारी ये कहानी यही होती है खत्म। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मैं पूर्णिमा लेती हूँ अब आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। फोन की घंटी बजती है और सामने से आवाज आती है, अन्ना यहाँ से जवाब जाता है किसका आदमी है। ठीक है, मेरे आने तक उसे जिंदा रखना। ये लाइन सुनने के बाद आपके भी जहन में जरूर किसी न किसी गैंगस्टर का ख्याल आया होगा, या मैं कहूँ एक असली गैंगस्टर का ख्याल। एक दौर था जब फिल्में गैंगस्टर्स के इर्द गिर्द घूमा करती थी, उसमें आपको ड्रामा और सस्पेंस तो मिलता ही था लेकिन साथ ही साथ मिलता था ओरिजिनल एक्शन जिसे आप महसूस कर सके। हॉलीवुड में गैंगस्टर फिल्मों का ट्रेंड काफी पुराना है लेकिन भारत में ऐसी फिल्मों का ट्रेंड करीबन साल 1950 से शुरू हुआ था। उसके पहले फिल्मों में गैंगस्टर होता था लेकिन फिल्म गैंगस्टर की नहीं होती थी। 1989 में रिलीज हुई फिल्म परिंदा और 1998 में रिलीज हुई फिल्म सत्या को कल्ट क्लासिक गैंगस्टर फिल्म कहा जा सकता है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इन दो फिल्मों के बाद दर्शकों को कुछ ऐसा क्लासिक नहीं देखने को मिला है। हालांकि अनुराग कश्यप ने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से काबिले तारीफ कोशिश की लेकिन शायद एक गैंगस्टर फिल्म बनाने से थोड़ा सा चूक गए। वहीं वेब सीरीज में सैफरिक गेम्स और मिर्जापुर ने दर्शकों को वही खून चखाया है जिसका नशा चढ़ जाए तो उतरना थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। लेकिन ये सुपरहिट वेब सीरीज एक बड़ा सवाल अपने साथ में लाती है कि क्या बड़े पर्दे पर गैंगस्टर्स की मौत हो चुकी है। फिर रिलीज हुई साउथ की बेहतरीन फिल्म जैसे KGF, KGF 2, पुष्पा, जिसे हमें रियल मॉन्स्टर से मिलवाया जिन्होंने एक्शन ही नहीं बल्कि डायलॉग बाजी और मारपीट में एकदम 70s की फिल्मों के गैंगस्टर्स की याद दिला दी। लेकिन गैंगस्टर्स फिल्मों की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई तो बता दें कि बात साल 1947 के आसपास की है जब पूरे देश में ही धीरे धीरे लोगों ने मुंबई की ओर रुख करना शुरू कर दिया था। छोटे शहर में बढ़ती बेरोजगार आबादी ने क्राइम की शुरुआत की। शुरुआत में ये क्राइम छोटे रूप में थे जैसे छोटी मोटी चोरी करना, पॉकेट मारना या फिर डकैती डालना। अब देखिए ना 1940s और 50s में बनी फिल्में भी इसी बात की गवाही देती है। उन फिल्मों की लिस्ट में किस्मत जो कि 1943 में आई थी, संग्राम 1950, पॉकेट मार 1956, हाउस नंबर 44 1955, अवारा 1951, श्री 420 1955 और बाजी 1951 शामिल है। इन सभी फिल्मों में करीबन एक ही चीज दिखाई गई थी लेकिन वक्त करवट लेता है, शुरू होता है अवैध शराब का धंधा, वो भी आंटियों द्वारा। इस सीन को सैक्रेड गेम्स की कांताबाई की स्टोरी से भी समझा जा सकता है जब अलग अलग अपने इलाके और राज्य के हिसाब से छोटे छोटे गैंग्स बनने लगे जैसे अलाहाबादी गैंग, रामपुरी गैंग या फिर कनपुरिया गैंग। साल 1920 से 30 के दशक में ही हॉलीवुड ने गैंगस्टर फिल्मों पर काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उस वक्त की उनकी फिल्मों में क्राइम कैसे आयोजित होता है इस बात की झलक भी दिखने लगी थी। एक ही तरह का सूट, महंगी गाड़ियाँ और बंदूकें, ये हॉलीवुड गैंगस्टर फिल्मों का पैटर्न बन गया था। लेकिन बॉलीवुड ने परिंदा, सत्या और काला जैसी फिल्मों में गैंगस्टर्स को अपने ही अंदाज में दिखाया और अगर बात साउथ की करे तो उन्हें हमेशा से ही हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर होकर बनाया गया है जहाँ एक्शन टॉप प्रायोरिटी होता है और विलेन को भी एज हीरो सामने रखा जाता है। जैसे साउथ ने अभी दो फिल्में रिलीज की जिसमें विलेन को भी हीरो बनाकर सामने रखा गया। भले ही वो हीरो गैंगस्टर था और सामाजिक दृष्टि से वो गलत था लेकिन उसे स्क्रीन पर ऐसे रखा गया ताकि लोग उसे हीरो समझे। और ये दोनों ही फिल्में KGF फ्रेंचाइज और पुष्पा थी जिनमें इन रोल्स
के लिए ऐसे हीरो को चुना गया जो लोगों को पहले से ही काफी पसंद थे और लोग उन्हें हीरो के अलावा और किसी रूप में देख ही नहीं सकते। फिल्म में जो रियल हीरो एक्चुअली में प्ले कर रहा होता है वो कैरेक्टर्स के चलते विलेन बन जाता है। असल में बात ना हमारी सोच और राइटर की कहानी की है, वो कैसे कैरेक्टर्स को अपनी ऑडियंस के लिए डेवलप कर रहा है। अगर बात KGF की करे तो इसमें सरकार और रमिका सेन एज हीरो प्ले कर रही थी और रॉकी और अधीरा दोनों ही विलन थे, पर हमने और आपने सिर्फ अधीरा को विलन की कैटेगरी में रखा। क्यों? सही बात है ना, जबकि काम तो दोनों एक ही कर रहे थे ना, स्मगलिंग। लेकिन यहाँ फर्क आया फिर उस राइटर का जिसने इसकी कहानी लिखी, जिसने रॉकी को लोगों का हीरो बनाने के लिए इमोशनल टच दिया, रॉकी की कहानी को माँ से जोड़ा, माँ की इमोशनल टच को लोगों से रिलेट किया, रॉकी को गरीबों का मसीहा बनाया, एक सच्चा आशिक भी बनाया जिसने एक विलन को हीरो की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। और ये कमाल किसी और का नहीं, उसी राइटर का था जिसने फिल्म की कहानी को लिखा, जो है हमारे प्रशांत मीर। तो फिल्म की कहानी और हीरो विलन ना सिर्फ एक राइटर ही क्रिएट कर सकता है। अगर राइटर हीरो में अच्छी क्वालिटीज इंक्लूड नहीं करता तो हो सकता है हमें रॉकी द मॉन्स्टर नहीं मिलता। KGF 3 की कहानी भी ऐसी ही इमोशनल टच पर लिखी जाएगी जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत मीर कहानी को एक अच्छा मोड़ दे पाएंगे? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। भाई क्या रॉकी को मिलेगा धोखा, किसकी होगी जीत? तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा कि कैसे अब KGF पर हाथ जमाने के लिए दो टीम्स में लड़ाई होने वाली है, सलार रॉकी और रमिका बघीरा। तो चलिए अब इतने दिनों से चलते आ रहे इस सस्पेंस को तोड़ें और देखें आखिर किसकी होगी जीत। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप भी सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज KGF चैप्टर 3 के बारे में। अब बघीरा और रमिका के एक हो जाने के बाद रमिका सबसे पहले अपनी प्रधानमंत्री की शक्तियों का इस्तेमाल करके सबको ऑर्डर देती है कि KGF को गिरा दिया जाए। जब वो KGF को गिराने पहुंचते हैं तो पिछली बार की तरह उन्हें वहां कोई सोना नहीं मिलता, लेकिन इस बार रमिका भी रॉकी की चाल से वाकिफ है और वो पहले ही रॉकी का मुंबई में इंतजार कर रही है। रॉकी जैसे ही मुंबई में अपनी गोल्ड फील्ड में जाता है, रमिका पहले ही वहां उसका इंतजार कर रही होती है। रॉकी उसे देखकर कहता है, मैं जानता था तुम यही होगी, बेवकूफ नहीं हो तुम। रमिका कहती है, हाँ बेवकूफ तो तुम हो रॉकी, हर बार तुम्हारी जीत नहीं हो सकती, इस बार तो तुम गए। और वो अंदर से रॉकी के सभी गोल्ड फील्ड्स वाले कर्मचारियों को लेकर आती है जो अब रमिका की तरफ हो जाते हैं। रॉकी ये देखकर हैरान हो जाता है पर कहता है, कर लो जितने लोगों को अपनी तरफ कर सकती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रमिका कहती है, अभी तक नहीं पड़ा था ना, अब पड़ेगा। और वो पीछे से सलार को बाहर बुलाती है, सलार भी रमिका की तरफ हो जाता है। रॉकी ये देखकर हैरान हो जाता है पर वो ऐसी परिस्थिति के लिए भी तैयार था। वो एकदम से उल्टी दिशा में भागने लगता है, तीनों उसका पीछा करते हैं और रॉकी भागते भागते गेटवे ऑफ इंडिया पर आ जाता है और वहाँ एक मोटर बोट लेकर समुन्द्र में सवार हो जाता है। बाकी तीनों भी उसके पीछे ऐसा ही करते हैं, लेकिन रॉकी मोटर बोट में सवार होने के बाद एक शिप पर चढ़ जाता है जिसमें सारा सोना होता है। वो तीनों भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं और सलार और बघीरा तो शिप में आ जाते हैं लेकिन रमिका वहाँ नहीं आ पाती। इसके बाद सलार, बघीरा और रॉकी का आमना सामना होने ही वाला होता है कि ऊपर से हेलीकॉप्टर आकर बघीरा और सलार को मार डालता है। रमिका वहाँ खड़ी रह जाती है। रॉकी कहता है, बड़ी बेवकूफ निकली तुम रमिका, तुम में तो इतनी अकल होनी चाहिए थी, कहा था ना चाहता नहीं जंग हो, लेकिन अगर होगी तो जीतूंगा मैं ही। और वो अपना सारा सोना हेलीकॉप्टर में लेकर फरार हो जाता है और यही कहानी का एंड है। पर दोस्तों, जहां आपको लगेगा ये कहानी का अंत हो गया है, लेकिन वहीं अभी तो चैप्टर 4 भी आने वाला है जिसमें पता चलेगा कि कौन था रॉकी का ये साथी। आज के लिए इतना ही, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। था रॉकी का एक प्लान, क्यों समुद्र में ही गया रॉकी, किसने बचाया रॉकी को? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि KGF 3 की स्टार्टिंग कैसे होने वाली है
और कैसे मेकर्स ने KGF 3 की एंडिंग में हमें कंफ्यूज किया। जहां एक तरफ KGF चैप्टर 3 का नया ड्राफ्ट ओपन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ रमिका सेन रॉकी के उन 3 साल के फॉरेन क्राइम्स की रिपोर्ट देखने जा रही थी। लेकिन असल में ना रॉकी के इन 3 साल के क्राइम्स उसने कभी किए ही नहीं थे। वो सारे क्राइम्स असल में सलार के किए हुए थे, जो उसने US, इंडोनेशिया और बाकी के 16 देशों में किए। लेकिन सलार रॉकी के लिए ही काम करता था, तो एट द एंड वो सारे क्राइम्स रॉकी के लिस्ट में ही जुड़ गए। KGF 3 की स्टोरी यहाँ से नहीं बल्कि वहीं से शुरू होगी जहाँ से छोड़ी गई थी, यानी समुद्र की गहराई से। और जैसा हमने आपको पहले बताया था कि रॉकी ने समुद्र में सारा सोना सिर्फ इसलिए बहाया क्योंकि वो बस अपनी माँ को दिया वादा पूरा कर रहा था। क्योंकि अधीरा के मरने के बाद रॉकी दिल्ली पहुँचने से पहले ही अपने लोगों को ये काम देकर गया था कि उसकी माँ की कब्र इंडियन ओशन में एग्जैक्ट उसी जगह पहुँचा दी जाए, बिल्कुल समुद्र तल पर, जहाँ जाकर भी कोई ना जा सके। और उसने ये कैसे किया, तो उस सवाल के तार भी जुड़े हैं रॉकी के उन्हें 3 साल के क्राइम से, या कहें बिजनेस से। सलार जहाँ रॉकी के गोल्ड को सप्लाई करता था, वहाँ से उसने हाईटेक मशीनरी, वेपन्स और बड़े बड़े जहाज उठाए थे, जिसमें से कुछ उसके चॉपर्स थे, कुछ शिप्स थे, कुछ प्राइवेट जेट्स और 2 सबमरीन। इन्हीं में से एक सबमरीन तक पहले वो तबूत पहुंच गई और वहां से उसने समुद्र की सतह पर रख दिया। और एट द एंड रॉकी सारा सोना लेकर वहीं पहुंच गया और अपने वादे को पूरा करने के लिए उसने सारा सोना अपनी माँ को सौंप दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ना उसका वादा अभी भी अधूरा था, क्योंकि पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा करना अभी बाकी था। उसके लिए ना उसे पहले उन 16 देशों के सामने अपने आप को मरा हुआ साबित करना था, जिससे वो बिना किसी झंझट के इंडिया से बाहर भी जा सके और कोई उसके पीछे भी ना आए। इसलिए उसने खुद ही इंडियन नेवी के साथ US और इंडोनेशियन नेवी को एक ही फैक्स भेजा और वहां बुला लिया, क्योंकि उनके सामने अगर रॉकी खत्म हो जाता है तो एक बहुत बड़ा खतरा टल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रॉकी को वहां से बचाने के लिए कौन आने वाला है, क्योंकि उसकी पूरी KGF की सेना तो अब वहां से जा चुकी थी, जिनसे उसका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, रॉकी को वहां से बचाने आया था वो जिसको रॉकी पर सबसे ज्यादा भरोसा था, सलार। जी हाँ, सलार ही था वो। बहुत पहले ही KGF छोड़ के जा चुका था सलार, और जिसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट को कोई खबर भी नहीं थी, तो वो बिना किसी की नजरों में आए आसानी से रॉकी को बचा सकता था। और यही हुआ, समुद्र में डुबाने के बाद सलार उसकी सबमरीन लेकर वहां पहले से ही मौजूद था। ये वही सबमरीन थी जिससे उसने रॉकी की माँ की कब्र को वहां रखा था। जहां एक तरफ सबका ध्यान समुद्र के ऊपर मौजूद रॉकी के शिप पर था, वहां समुद्र के अंदर मौजूद उस सबमरीन पर किसी का ध्यान नहीं था। किसी का फायदा उठाकर सलार उस सबमरीन से रॉकी को लेकर निकल गया। लेकिन रुको जरा, क्या कहानी यही खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। अभी तो रॉकी की असली स्टोरी शुरू होना बाकी है, जहाँ रॉकी सलार के साथ मिलकर पहली बार अपनी एक टीम बनाएगा और क्या क्या करेगा ये हमें देखना अभी बाकी है। बस आप लोगों को ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियो। रॉकी ने बदला प्लान, क्यों मिलाया रॉकी ने जिम्मी कार्टर से हाथ, कैसे 16 कंट्रीज में मोस्ट वांटेड बना रॉकी, KGF चैप्टर 2 के एंड सीन में जब से KGF चैप्टर 3 का हिंट दिया गया है तब से ही उस पर फैंस अपनी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, जिसे देखते हुए आज हम लोग आपके लिए लाए हैं KGF चैप्टर 3 की स्टोरी। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप इस सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब रॉकी इंटरनेशनली भी बड़ा हो रहा था, तब रॉकी से मिलने इंडोनेशिया गोल्ड माइन का मालिक आया था और साथ में उसने रॉकी को एक ऑफर भी दिया, और वो ऑफर ये था कि अगर रॉकी माइकल नाम के डॉन को मार देता है तो वो उसे इंडोनेशिया की गोल्ड माइन का 50% पार्टनर बना देगा, जिसे रॉकी एक्सेप्ट करता है और माइकल को मार देता है। लेकिन माइकल को मारते ही उस पर हमला हो जाता है और हमला करने वाले गोल्ड माइन के ऑनर के ही लोग होते हैं,
लेकिन रॉकी उन सबको मार कर इंडोनेशिया की गोल्ड माइन पर कब्जा कर लेता है और सारा गोल्ड केजीएफ में ले जाता है, जिसकी जानकारी रमिका सेन को लग जाती है और वो रॉकी को मारने का प्लान बनाती है। अब इसके आगे की कहानी, जिसके बारे में रॉकी को पता चल गया था, इसलिए रॉकी ने सारे सोने की सप्लाई बंद कर दी थी। रॉकी जानता था कि भारत में रहते हुए केजीएफ का सोना भारत सरकार से छुपाना मुश्किल है, इसलिए रॉकी ने अमेरिका के जिमी कार्टर से हाथ मिलाया। अब रॉकी ने जिमी कार्टर की मदद से केजीएफ के गोल्ड को भारत से बाहर ले जाने का प्लान बनाया। इस मिशन को पूरा करने के लिए रॉकी को 16 देश के कई गैंगस्टर्स को मारना पड़ा, जिसके चलते रॉकी 16 देशों में मोस्ट वांटेड बन गया। मंत्री गुरु पांडियन के विश्वघात और अधीरा द्वारा रीना देसाई की हत्या के बाद रॉकी ने अपना प्लान बदल दिया था। अब रॉकी अपने शिप पर जो गोल्ड लेकर समंदर में उतरा था, वो गोल्ड केजीएफ का नहीं बल्कि इंडोनेशिया की गोल्ड माइन का था। केजीएफ का गोल्ड तो जिम्मी कार्टर की मदद से रॉकी ने पहले ही इंडिया से बाहर निकाल दिया था और इंडोनेशिया नेवी भी रॉकी के द्वारा भेजे गए फैक्स मिलने के बाद इंडियन ओशन में पहुंच गई थी। समंदर में रॉकी के गिरने के बाद जिम्मी कार्टर ने रॉकी को बचा लिया था और ये सारा प्लान रॉकी ने पहले ही बना लिया था। मतलब रॉकी अभी जिंदा है और केजीएफ का सोना भी रॉकी के पास है। अब ये सब जानने के बाद क्या रमिका सेन रॉकी को ढूंढ पाएगी? क्या रॉकी केजीएफ आएगा? ये हमें केजीएफ चैप्टर 4 में देखने को मिलेगा। तब तक आप हमें ये जरूर बताइए कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। कौन है जॉन डेलिंजर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज की ये कहानी है एक अमेरिकन क्रिमिनल की। जॉन डेलिंजर अपनी गैंग को चोरी और डकैती के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि शिकागो में वो कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि अब वो सीधा बैंक पर अपना हाथ साफ करेंगे। जॉन डेलिंजर उन सभी को बैंक लूटने की ट्रेनिंग देने लगता है और फिर धीरे धीरे करके वो अमेरिका के सभी छोटे बैंक्स को लूटने लगे और कुछ ही सालों में जॉन डेलिंजर और उसका गैंग अमेरिका का बैंक लूटने वाला सबसे बड़ा गैंग बन गया। 1933 में जॉन की सौतेली माँ की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसे कुछ समय के लिए कोर्ट द्वारा बेल मिल जाती है, लेकिन उसने इस बेल का पूरा फायदा उठाया और बाहर आते ही बहुत सारे हथियार और असला बारूद इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जेल में रहने के दौरान उसने अपना अच्छा खासा कॉन्टेक्ट वहाँ बना लिया था और उन्ही सोर्सेज के जरिए उसने अपने दोस्त हेनरी और होमर के पास जेल में ही उन हथियारों को पहुँचा दिया, जिसके बाद वो दोनों भी जेल से भागने में कामयाब हो गए और तीनों ने मिलकर एक नई गैंग बना दी जिसका नाम डेलिंजर गैंग था। उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी दुकानों को लूटा और लूटने के बाद बड़ी ही आसानी से वो फरार हो जाते। उनकी इस लूटपाट से सरकार और नागरिक दोनों ही परेशान थे। पुलिस काफी समय से जॉन डेलिंजर की इस गैंग को पकड़ना चाह रही थी, लेकिन हर बार वो लोग बच निकलने में कामयाब हो जाते। अब ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI को सौंपा गया। पहले तो FBI ने जॉन को पब्लिक एनिमी नंबर 1 का खिताब दे दिया और फिर जॉन को पकड़ने के लिए अपने सोर्सेज को लगा दिया। उन्होंने जॉन की वाइफ के दोस्त से कांटेक्ट किया, जिसके जरिए उन्हें ये पता चला कि जॉन और उसकी वाइफ 22 जुलाई 1934 को मूवी देखने जाने वाले हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पुलिस वहां पहुंचती है। जॉन शाम को अपनी वाइफ के साथ जब मूवी थिएटर से बाहर आता है तो सामने खड़ी पुलिस मौका देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर देती है और इसी तरह अमेरिकन पुलिस के इस एनिमी की मौके पर मौत हो जाती है, जिसने अपने छोटे से ही गैंगस्टर करियर में लोगों को परेशान कर दिया था। अपने आखिरी समय तक जॉन इतना शातिर हो गया था कि उसकी एक भी चोरी और डकैती पकड़ी नहीं जाती थी, ना ही वो पुलिस के लिए कोई सबूत छोड़ता, साथ ही कभी पकड़ा भी नहीं जाता। इसीलिए मजबूर होकर पुलिस को उसे मारने के लिए एनकाउंटर का सहारा लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस बार KGF 3 में सुपरस्टार यश जॉन डेलिंजर का ही किरदार निभाते नजर आएंगे और फिल्म में उन्हीं की कहानी को दर्शाया जाएगा। ऐसे ही एक माफिया की स्टोरी से इंस्पायर्ड होगी KGF 3 की स्टोरी। और आज की हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी है कोलंबियन क्राइम फैमिली के बॉस जोसेफ एंटोनी कोलंबो की। ये फैमिली न्यूयॉर्क सिटी की 5 सबसे बड़ी अमेरिकन माफिया फैमिलीज में से एक है। 41 साल की उम्र में कोलंबो कंट्री का सबसे यंग क्राइम बॉस वो था। इसके साथ ही वो न्यूयॉर्क क्राइम फैमिली का पहला अमेरिका में जन्मा बॉस था। माफिया बनने के बाद बहुत कम समय में ही उसने अपना परचम पूरे के पूरे न्यूयॉर्क सिटी में लहरा दिया था। दोस्तों, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और
स्मगलिंग के साथ साथ उसके कई लीगल बिजनेस थे, लेकिन वो इन लीगल बिजनेस के अंडर में भी कई गैर कानूनी काम करता था। लीगल और इलीगल कामों को बैलेंस करके चलाना ही कोलंबो की खासियत थी। उसका नाम न्यूयॉर्क के अमीर आदमियों में शुमार हो गया, लेकिन उसके इसी पेशे की वजह से उसे अपनी जिंदगी में पहली बार जेल जाना पड़ा था। 1966 में जब अमेरिकन गवर्नमेंट कोलंबो के बैंक बैलेंस को लेकर कुछ शक हुआ तो उसे समन जारी किया गया, लेकिन जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई और ग्रैंड ज्यूरी ने उसे उसके फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में सवाल किया तो उसने कोई भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। ग्रैंड ज्यूरी के कई बार पूछने के बाद वो शांत रहा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो 9 मई 1966 को कोलंबो को 30 दिन की सजा हुई थी। ये पहली बार था जब कोलंबो जेल गया था। 1977 के शुरुआती समय में जोए गालो को जेल से रिहा कर दिया गया और उसके आजाद होते ही गालो क्राइम फैमिली और कोलंबो क्राइम फैमिली की पुरानी दुश्मनी का भी आजाद होना तय था। दोनों क्राइम फैमिलीज के बीच के इसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए कोलंबो ने गालो को पीछे मीटिंग के लिए इनवाइट किया। उसने ऑफर किया कि अगर वो शांति के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देगा तो वो उसे $1,000 देगा, लेकिन गालो ने कोलंबो के इस ऑफर को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि $1,000 कुछ भी नहीं है, अगर वो और खून खराबा नहीं चाहता तो वो उन्हें $100,000 दे दे। कोलंबो ने इस ऑफर के लिए साफ मना कर दिया और दोनों क्राइम फैमिलीज के बीच ये वॉर गालो की मौत तक कंटिन्यू रही। दोस्तों 28 जून 1971 को कोलंबो इटालियन अमेरिकन सिविल राइट्स लीग के द्वारा स्पॉन्सर इटालियन यूनिटी डे रैली में कोलंबस सर्कल गया था। जब वो वहां से बाहर निकल रहा था तभी वहां जेरोमे ए जॉनसन नाम का एक गनमैन कोलंबो के पार 3 गोलियां चलाता है, जिसमें से एक जाकर उसके सिर पर लग जाती है। कोलंबो वहीं बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। सभी हड़बड़ी में उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। उस गनमैन को तो कोलंबो के गार्ड्स उसी समय मार देते हैं, लेकिन उस शूटिंग का कोलंबो पर गहरा असर पड़ता है। सर पर गोली लगने की वजह से कोलंबो पैरालाइज हो जाता है, जिसके बाद उसे रूसेवेल्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दोस्तों लगातार 2 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार आता है, थोड़ा सा कुछ गुंजाइश दिखती है और उससे 28 अगस्त 1971 को उसके ही ब्लूमिंग ग्रूव के स्टेट में शिफ्ट किया जाता है। लोगों को लगा था कि अब कोलंबो मर जाएगा, लेकिन उसकी हालत में सुधार होने लगा। उसके दुश्मन खुशियां मना रहे थे और उसके क्राइम फैमिली के मेंबर्स दिन रात उसके ठीक होने का प्रे कर रहे थे। और काफी समय बाद 1975 में उसका राइट साइड ऑफ द बॉडी काम करना शुरू कर देता है। वो रिकवर होने लगता है और 1 साल के अंदर ही वो लोगों को पहचानने भी लगता है, जिसके रिजल्ट में 1972 में कोलंबो क्राइम फैमिली जोए गालो का मर्डर करा देती है। जोसेफ कोलंबो की मौत के बाद कार माइन पर सीको का कोलंबो क्राइम फैमिली का बॉस बना दिया जाता है। और ऐसे ही एक अंडरवर्ल्ड माफिया की कहानी केजीएफ के चैप्टर 3 में दिखाई जाने वाली है। फिलहाल हमारी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कहानी अल्बर्ट अनास्तासिया की। ये कहानी है एक ऐसे माफिया की जो लोअर मैनहट्टन की गलियों से निकलकर न्यूयॉर्क की 5 सबसे बड़ी क्राइम फैमिलीज में से एक पर राज करने वाला था। बनाए कमीशन के अकॉर्डिंग मॉब बॉस बनने के लिए फैमिलीज की आपसी सहमति जरूरी होती है, और अगर मैनागानो फैमिली मना कर देती है तो जेनोवेस कभी भी मॉब बॉस नहीं बन पाएगा। लेकिन दोनों को पता था कि अल्बर्ट अनास्तासिया एक अंडरगो बॉस था। वो भी तब तक कुछ नहीं कर सकते थे जब तक कि मोनांगो ब्रदर्स अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मैंगानो ब्रदर्स का मर्डर कर देंगे। इससे जेनोवेस मॉब बॉस बनने से भी रह जाएगा और अनास्तासिया मैनागानो फैमिली का नया मॉब बॉस बन जाएगा। इसके बाद 19 अप्रैल 1951 को माफिया हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस मर्डर हुआ। फिलिप मैंगानो की बॉडी मार्शलैंड में मिली, जिसमें 3 गोलियां उसके सिर के पीछे थी और 2 गोलियां उसके दोनों गालों में।
जब इस मामले की जांच में पुलिस ने उसके भाई विंसेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो उसे नहीं ढूंढ पाए। विंसेंट मैनागानो फिलिप मैनागानो के फ्यूनरल में भी नहीं आया, जिसके बाद पुलिस और माफिया बॉसेस को लगने लगा कि विंसेंट का भी मर्डर हो चुका है, लेकिन ये मर्डर किसने किया इसका पता नहीं चल पाया। अब अनास्तासिया मैनागानो फैमिली का अंडर गो बॉस था, इसलिए मैनागानो ब्रदर्स की मौत के बाद अब अनास्तासिया को मैनागानो फैमिली का बॉस बना दिया जाता है। बॉस बनने के बाद वो और उसका छोटा भाई एंथनी अनास्तासिया ने अपना नाम बदलकर अनास्तासियो से अनास्तासिया कर लिया। लुसियानो अनास्तासिया से बहुत खुश था, उसे अनास्तासिया से बहुत प्रॉफिट हो रहा था, उसके साथ ही वो उसके लिए बहुत लॉयल भी था। और लुसियानो की ऑर्डर्स पर अनास्तासिया मर्डर काउंसिल का हेड बन जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर का एक ग्रुप था जो कि करीब 700 से 1000 लोगों का मर्डर कर चुके थे, जिसके बाद जिनोवेस ने विंसेंट गायगेंटे को कॉस्टेलो के मर्डर के लिए हायर किया। 1957 में गायगेंटे ने कॉस्टेलो के सिर पर गोली चलाई। कॉस्टेलो के लक की वजह से गोली बस उसे छूकर निकल गई, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद वो रिटायरमेंट ले लेता है। अनास्तासिया का एक कैपोस कार्लो गैम्बिनो, जो कि बाद में उस हिस्ट्री का सबसे पावरफुल माफिया बॉस बन जाता है, वो वीटो जेनोवेस से मुलाकात करता है, अनास्तासिया को मारने का प्लान बनाता है। जेनोवेस उसे प्रॉमिस करता है कि अगर उसने अनास्तासिया को मार दिया तो गैम्बिनो ही कुछ फैमिली का बॉस बना दिया जाएगा। कार्लो इस ऑफर को रिफ्यूज नहीं कर पाया। गैम्बिनो दूसरे माफिया जो प्रोकासी से बात करता है और फिर वो दोनों अनास्तासिया को मारने के लिए गैलो ब्रदर्स को हायर करते हैं। अनास्तासिया की फेवरेट बार्बर शॉप शेरटन होटल के बॉटम फ्लोर पर थी। उसे अपनी दाढ़ी शेव करना बहुत पसंद था। दुकान में जब बार्बर ने अनास्तासिया के मुंह पर टॉवल रखा, तभी दोनों गैलो ब्रदर्स दुकान के अंदर घुसते हैं। एल्बर्ट अनास्तासिया पर 5 गोलियां चला दी और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। एल्बर्ट की मौत के बाद कुछ लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे। यश की आने वाली फिल्म KGF 3 में भी ऐसे ही एक बड़े गैंगस्टर की स्टोरी दिखाई जाने वाली है। कहानी है कोलंबियन क्राइम फैमिली के बॉस जोसेफ एंथनी कोलंबो की। ये फैमिली न्यूयॉर्क सिटी की 5 सबसे बड़ी अमेरिकन माफिया फैमिलीज में से एक है। जोसेफ कोलंबो का जन्म 16 जून 1923 को न्यूयॉर्क में एक इटालियन फैमिली में हुआ था। उसके पिता एंथनी कोलंबो प्रोफिशिएंट क्राइम फैमिली के ना अर्ली मेंबर थे। इस क्राइम फैमिली को वही संभालते थे, वो भी अपने समय के एक बहुत बड़े गैंगस्टर थे। काफी समय तक उन्होंने रुफाची क्राइम फैमिली को संभाला, लेकिन एक दिन जब वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ मूवी देखकर लौट रहे थे ना, तो उनके कुछ दुश्मनों ने उनकी कार पर अटैक कर दिया और उसकी कार में उन दोनों की गला काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद रुफाची क्राइम फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जोसेफ कोलंबो के ऊपर आ गई। हालांकि पिता के मौत के बाद जोसेफ को न केवल रुफाची क्राइम फैमिली का उत्तराधिकारी ही बनाया गया था, इस क्राइम फैमिली को इसके मेन मेंबर्स ही रन करते थे। बाद में जब जोसेफ को पार मिली ना, तो उसने ही रुफाची क्राइम फैमिली का नाम बदल कर कोलंबो क्राइम फैमिली कर दिया था। कोलंबो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलने लगा था। कुछ ही समय में उसने क्राइम फैमिलीज के बीच अपना सिक्का जमा लिया था। सब उसकी बातें सुनने लगे थे। उसके कहने से पहले ही उसके सारे काम होने लगे थे और देखते ही देखते वो सबका बॉस बन गया। 1961 में जो गैलो ने रुफाची फैमिली के 4 हाई रैंकिंग मेंबर्स को किडनैप कर लिया था, जिसके बाद पहली कोलंबो वॉर शुरू हुई। किडनैपिंग के बाद गैलोस ने डिमांड की कि अगर उन्हें पैसे दिए जाएंगे ना, तभी वो रुफाची फैमिली के उन मेंबर्स को रिलीज करेंगे। गैलो एक होस्टेज पर $100,000 की डिमांड कर रहे थे। $100,000 ना रुफाची फैमिली के लिए काफी ज्यादा थे, लेकिन उतने ही इम्पोर्टेंट उनके लिए होस्टेजेस बने वो मेंबर्स भी थे, इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया, जिसके बाद रुफाचीज अपना जो दिमाग है ना वो चलाते हैं और दोनों ही क्राइम फैमिली के एक म्यूचुअल फ्रेंड चार्ल्स लोसिसेरो से बात करते हैं। रुफाचीज चार्ल्स से कहते हैं कि वो गैलोस के साथ नेगोशिएशन करे और उनके मेंबर्स को रिलीज कराए। रुफाची की बात को मानने के सिवा चार्ल्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस समय रुफाची क्राइम फैमिली के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। चार्ल्स उनकी बात मान लेता है और गैलोस से बात करता है। गैलो चार्ल्स की बातों से कन्विंस हो जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं और बड़ी ही शांति से रुफाचिस को उनके मेंबर मिल जाते हैं। लेकिन अभी रुफाचिस का बदला जो है ना वो पूरा नहीं हुआ था। वो गैलोस को इस किडनैपिंग के लिए सजा देना चाहते थे। 1961 में रुफाची क्राइम फैमिली के हेड मेंबर जोसेफ रुफाची के ऑर्डर पर गैलोस के कुछ मेंबर्स का ना मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद जवाब के तौर पर जो गैलो भी रुफाची फैमिली के लोगों का मर्डर करवाता है। और इसके बाद दोनों ही क्राइम फैमिलीज एक एक कर एक दूसरे के मेंबर्स को मारने लगती है और दोनों के बीच वॉर छिड़ जाती है।
लेकिन उसी साल के एंड में जो गैलो को जेल हो जाती है और 1962 में रोफाची क्राइम फैमिली के लीडर जो रोफाची की कैंसर से मौत हो जाती है, जिससे ये वॉर जो है ना कुछ समय तक शांत रहती है। जो रोफाची की मौत के बाद जोसेफ कोलंबो को कोलंबो क्राइम फैमिली का ऑफिशियल मॉब बॉस बनाया जाता है। 41 साल की उम्र में कोलंबो कंट्री का सबसे यंग क्राइम बॉस था वो। इसके साथ ही वो न्यूयॉर्क क्राइम फैमिली का पहला अमेरिका में जन्मा बॉस था। माफिया बनने के बाद बहुत ही कम समय में उसने अपना परचम पूरे न्यूयॉर्क सिटी में लहरा दिया था। किडनैपिंग, एक्सॉर्शन और स्मगलिंग के साथ साथ ना उसके कई लीगल बिजनेस भी थे, लेकिन वो इन लीगल बिजनेस के अंडर में ना कई सारे गैर कानूनी काम किया करता था। लीगल और इलीगल कामों को बैलेंस करके चलना ही कोलंबो की खासियत थी। उसका नाम न्यूयॉर्क के अमीर आदमियों में शुमार हो गया, लेकिन उसके इन्हीं पैसों की वजह से ना उसे अपनी जिंदगी में पहली बार जेल भी जाना पड़ा। 1966 में जब अमेरिकन गवर्नमेंट को कोलंबो के बैंक बैलेंस को लेकर कुछ शक हुआ तो उसे समन जारी किया गया, लेकिन जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई और ग्रैंड ज्यूरी ने उससे उसके फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में सवाल किया ना, तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। ग्रैंड ज्यूरी के कई बार पूछने के बाद भी वो शांत रहा, जिसके रिजल्ट में 9 मई 1966 को कोलंबो को ना 30 दिन की सजा हुई थी। ये पहली बार था जब कोलंबो जेल गया था। 1977 के शुरुआती समय में जो गैलो को जेल से रिहा कर दिया और उसके आजाद होते ही गैलो क्राइम फैमिली और कोलंबो क्राइम फैमिली की पुरानी दुश्मनी का भी आजाद होना तय था। दोनों क्राइम फैमिलीज के बीच इसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ना कोलंबो ने गैलो को एक पीस मीटिंग के लिए इनवाइट किया। उसने ऑफर किया कि अगर वो शांति के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देगा ना तो वो उसे $1,000 देगा, लेकिन गैलो ने कोलंबो के इस ऑफर को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि $1,000 ना कुछ भी नहीं है, अगर वो और खून खराबा नहीं चाहता है तो वो उन्हें $100,000 दे। कोलंबो ने इस ऑफर के लिए साफ मना कर दिया और दोनों क्राइम फैमिलीज के बीच ये वॉर गैलो की मौत तक कंटिन्यू रहा। 28 जून 1971 को कोलंबो इटालियन अमेरिकन सिविल राइट्स लीग के द्वारा स्पॉन्सर्ड इटालियन यूनिटी डे रैली में कोलंबस सर्कल गया था। जब वो वहाँ से बाहर निकल रहा था ना, तभी वहाँ जेरोमे जॉनसन नाम का एक गनमैन कोलंबो पर 3 गोलियां चला देता है, जिसमें से एक जाकर उसके सर पर लगती है। कोलंबो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। सभी हड़बड़ी में उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। उस गनमैन को तो कोलंबो के गार्ड्स ना उसी समय मार देते हैं, लेकिन उस शूटिंग का कोलंबो पर गहरा असर पड़ा और सर पर गोली लगने की वजह से ना कोलंबो पैरालाइज हो गया, जिसके बाद उसे रूजवेल्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लगातार 2 महीने अस्पताल में रहने के बाद उसकी हालत में ना थोड़ा सुधार आता है और उसे 28 अगस्त 1971 को उसके ही ब्लूमिंग ग्रूव के स्टेट में शिफ्ट किया जाता है। लोगों को लगा था कि अब कोलंबो मर जाएगा, लेकिन उसकी हालत में ना सुधार होने लगा। उसके दुश्मन खुशियां मना रहे थे और उसके क्राइम फैमिली के मेंबर्स दिन रात उसके ठीक होने का प्रे कर रहे थे। और काफी समय बाद 1975 में उसकी राइट साइड ऑफ द बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया था। वो रिकवर होने लगा था और एक साल के अंदर ही अंदर वो लोगों को पहचानने भी लगा था। लेकिन 22 मई 1978 को अचानक उसे सीने में दर्द की शिकायत होती है। सभी उसे सेंट ल्यूक्स हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वहां जाते ही कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो जाती है। कोलंबो की मौत के बाद कोलंबो फैमिली ने जो गैलो को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का कहना था कि कोलंबो को मारने वाला शूटर जॉनसन अकेला ही गनमैन था। उसने खुद ही उसे मारा, ना कि किसी के ऑर्डर पर। पुलिस ने गैलो से भी पूछताछ की, लेकिन उन्हें उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला। कोलंबो फैमिली को गैलो पर ही शक था, जिसके रिजल्ट में 1972 में कोलंबो क्राइम फैमिली जो गैलो का मर्डर करा देती है। जोसेफ कोलंबो की मौत के बाद कारमाइन पर्सिको को कोलंबो क्राइम फैमिली का बॉस बना दिया जाता है। और ऐसे ही एक अंडरवर्ल्ड माफिया की कहानी केजीएफ के चैप्टर 3 में दिखाई जाने वाली है। फिलहाल हमारी आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं पूर्णिमा लेती हूँ आपसे इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। चैप्टर 3 में रॉकी दोबारा नए अवतार में वापसी करने वाला है। उसका निशाना अब विदेश की उन जगहों पे होगा जहां पे सोना और स्मगलिंग दोनों मुमकिन होगी। रॉकी के इसी बीच कई तरह के दोस्त और दुश्मन दोनों बनने वाले हैं, क्योंकि रॉकी का सपना ही है कि वो ऐसा इंसान बने जिसके पास दुनिया का सारा सोना हो। और जब किसी का सपना ही दुनिया का सारा सोना रखना है
तो वो काम उतना आसान तो होगा नहीं, क्योंकि इस राह में कई सारे माफियाज आएंगे। कई स्मगलर्स रॉकी की ही तरह सोच रखते होंगे और अपने सोने पे किसी और की नजर पड़ते ही वो उन्हें मार डालेंगे। अब अफ्रीका में तो हम सब जानते ही हैं कि वहाँ बहुत सोना है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अमेरिका में भी एक्टिव गोल्ड माइन है, जहाँ पे मुमकिन है कि रॉकी वहाँ अपना रुख कर सकता है। रॉकी की एंट्री जब अमेरिका में होगी तो आखिर उसे किस तरह के दुश्मन मिलेंगे, ये जानने के लिए हम आपको कुछ अमेरिका बेस्ड माफिया से मिलवा रही हैं, जिनके फीचर्स केजीएफ चैप्टर 3 के एंटागोनिस्ट से मिलते होंगे। ये कहानी है डच शुल्ट्ज़ नाम की जर्मन माफिया की। आर्थर ने 1916 से 1919 तक एज अ फीडर और प्रेसमैन के रूप में भी कंपनीज में काम किया था, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस से लेकर क्लार्क लूज लीफ कंपनी भी शामिल है। आर्थर ने अपने पास के ही एक नाइट क्लब में काम करना शुरू किया था, जो कि एक लोकल मॉबस्टर द्वारा चलाई जा रही थी। आर्थर ने वहाँ पे अपनी जिंदगी की पहली चोरी की, जिसके बाद वो लोगों के घर में घुसकर भी चोरी करने लगा था। आगे चल के आर्थर एक बिल्डिंग में घुसकर चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद उसे रूजवेल्ट आइलैंड बेस्ड एक जेल में भेजा गया। बता दें कि आर्थर वहाँ से भाग निकला, लेकिन जल्द ही वो पकड़ा भी गया था, जिसके बाद उसकी सजा में 2 महीने और जुड़ गए थे। आर्थर को 1920 में पैरोल पे रिलीज कर दिया गया था, जिसके बाद वो दोबारा से शुल्ट्ज़ ट्रकिंग में काम करने लगा था, जहां वो पहले भी काम करता था। उस दौरान यूएस में अल्कोहल ड्रिंक्स को बैन करने का लॉ पास हुआ था, जिस वजह से शुल्ट्ज़ ट्रकिंग अल्कोहल और लिकर को कनाडा से न्यूयॉर्क तक पहुंचाने लगी, और इस चीज ने आर्थर को नामी क्रिमिनल्स में जोड़ने में मदद की थी। अब ये वही दौर था जब आर्थर का नाम डच शुल्ट्ज़ पड़ गया था। आगे जाकर शुल्ट्ज़ की किसी बात को लेकर शिपिंग कंपनी से बहस हो गई थी, जिस वजह से उसने शुल्ट्ज़ ट्रकिंग को छोड़ दिया और उसके बाद उसने इटालियन कॉम्पिटिटर्स के लिए काम करना शुरू कर दिया था। ये दौर 1920 के मध्य का था, जब शुल्ट्ज़ ने क्लब में बाउंसर के रूप में काम करना शुरू किया था। इस क्लब को जोई नोई नाम का एक गैंगस्टर चलाता था। जोई शुल्ट्ज़ के रुथलेसनेस और ब्रुटैलिटी को देखकर काफी इम्प्रेस हुआ। शुल्ट्ज़ जब भी अपने टेम्पर खोता था तो काफी ज्यादा अग्रेसिव बन जाता था। शुल्ट्ज़ की इसी क्वालिटी को देखकर जोई ने उसे अपना पार्टनर बना लिया था। इसके बाद जोई और शुल्ट्ज़ ने मिलकर अपने आसपास ड्रिंकिंग जॉइंट्स खोले। वो लोग न्यू जर्सी में बने बियर को खरीदते थे। ट्रक पे जब ड्रिंक्स को लोड किया जाता था तो शुल्ट्ज़ को ड्राइविंग सीट पे गन लिए बैठ जाता था, ताकि वो ट्रक को हाईजैकर से बचा सके। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, आखिर किस तरह से शुल्ट्ज़ बना होगा अमेरिका का बड़ा माफिया? क्या इसका कारण बूटलेगिंग है, या फिर शुल्ट्ज़ ने कुछ अलग इलीगल बिजनेस में ही अपना हाथ आजमाया था? आज की ये कहानी है एक अमेरिकन क्रिमिनल की, अमेरिका का एक ऐसा गैंगस्टर जिसे आवाम का नंबर 1 दुश्मन कहा जाता था, और उसका नाम है जॉन डिलिंजर। जॉन का जन्म 22 जनवरी 1903 में इंडियाना में हुआ था। उसे बचपन में ना सब जॉनी कहकर बुलाते थे, लेकिन जैसे ही ये जवान हुआ इसका नाम जैक रैबिट रख दिया गया था, क्योंकि ये क्राइम करने के बाद पुलिस से बहुत फुर्ती से भागा करता था। जॉन बचपन से ही छोटी मोटी चोरियां करता रहता था, जिसके बाद उसके पिता ने ना उसे नेवी में भर्ती कर दिया। कुछ महीने वहां सीखने के बाद ना उसका अमन वहां नहीं लगा, और एक दिन सबसे छुप कर ना वो वहां से भी भाग जाता है, फिर वापस अपने होम टाउन आ जाता है। वापस आने के बाद उसने 1924 में बड़े अपराध की तरफ अपना पहला कदम रखा। काफी समय से उसकी नजर इंडियाना के ग्रोसरी शॉप पर थी। उसने सोचा कि अब वो उस ग्रोसरी शॉप को ना अपना निशाना बनाएगा, और एक दिन मौका पाते ही उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ उस ग्रोसरी शॉप को ना लूट लिया। पर उसकी पहली लूट ने किस्मत में ना उसका साथ नहीं दिया। जैसे ही वो ग्रोसरी शॉप लूट कर वहां से भागने लगा, पुलिस उसके पीछे पड़ी, और काफी दूर पीछा करने के बाद वो पुलिस के हाथों लग जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल में रहकर वो कई चोरों से मिलता है और उनके एक्सपीरियंस को जानता है, लेकिन अब उसका मन ना जेल में भी नहीं लग रहा था, इसलिए कुछ दिनों वहां रहने के बाद वो जेल से फरार हो गया और अपने गैंग को लेकर शिकागो भाग आया। वो सभी शिकागो पहुंच जाते हैं और वहां जॉन डिलिंजर अपनी गैंग को चोरी और डकैती के लिए ना ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि शिकागो में वो कोई छोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे, अब वो सीधे बैंक पर अपना हाथ साफ करेंगे। जॉन डिलिंजर उन सभी को बैंक लूटने की ट्रेनिंग देने लगा, और फिर धीरे धीरे करके ना वो अमेरिका के सभी छोटे बड़े बैंक्स को लूटने लगे। और कुछ ही सालों में जॉन डिलिंजर और उसका गैंग अमेरिका का बैंक लूटने वाला सबसे बड़ा गैंग बन गया। 1924 में जॉन डिलिंजर की मुलाकात बैरल से होती है, और उसे ना वो बहुत पसंद आती है, जिसके बाद वो उसे शादी कर लेता है। लेकिन शादी के बाद उनके एक्सपेंसेस बढ़ने लगे थे, चोरी और लूट की भी कोई कन्फर्म टाइमिंग नहीं होती थी। उसे महसूस हुआ कि उसके पास परमानेंट इनकम का कोई भी जरिया नहीं है,
इसलिए उसने अब ये डिसाइड किया कि अब वो अपनी वाइफ की जरूरतों को पूरा करने के लिए ना एक परमानेंट इनकम का इंतजाम करेगा और उसने खुद के लिए एक नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। शुरुआती समय में तो जॉन को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि वो ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास कोई खास स्किल थी। लेकिन फिर बहुत ढूंढने के बाद ना उसे एक सोफा बनाने वाली दुकान में नौकरी मिलती है। उसका काम था लकड़ियों पर गद्दी लगाना। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ बास्केटबॉल प्लेयर से होती है। उनको खेलता हुआ देख जॉन डिलिंजर का इंटरेस्ट बास्केटबॉल में बढ़ता है और वो उनके साथ खेलने लगता है। उनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। 1924 में उसके ही बास्केटबॉल टीम के एक मेंबर ने उसे बताया कि हर रोज एक दुकानदार पैसों से भरा हुआ बैग लेकर ना उनके ग्राउंड के सामने से गुजरता है। पूरे दिन अच्छा खासा माल कमाने के बाद वो शाम को पैसे लेकर अपने घर जाता है। ये बात जॉन डिलिंजर के ना मन में बैठ गई थी और उसने उस टीम मेंबर के साथ मिलकर ना ये डिसाइड किया कि वो उस दुकानदार से उन पैसों को लूट लेंगे। प्लान के अकॉर्डिंग जॉन उसके बैग को छीनेगा और उसकी बास्केटबॉल टीम का जो दूसरा प्लेयर था ना कुछ दूरी पर कार लेकर खड़ा होगा और जैसे ही जॉन डिलिंजर पैसे छीनकर उसके पास आएगा वो कार को तेजी से चला देगा सो दैट पैसा लेते ही ना वो गाड़ी में बैठ जाए और वहाँ से फरार हो जाए। जॉन के पास एक पिस्टल भी थी। दुकानदार जब पैसे लेकर वहाँ से निकल रहा होता है ना तो जॉन उसके पास जाता है और उससे पैसे जो है वो छीनने लगता है। दुकानदार जो है वो घबरा जाता है और वो जॉन से ना हाथापाई करने लगता है। इसी दौरान जॉन की जो बंदूक होती है ना वो जमीन पर गिर जाती है और मौका पाते ही वो जो दुकानदार होता है ना वो पिस्टल को उठा लेता है और जॉन के ऊपर ट्रिगर करता है। ये देखकर जॉन ना डर जाता है और कार की तरफ भागने लगता है। इसी शोर को सुनकर चौराहे की पुलिस भी वहाँ आ जाती है जिसे देखकर कार में बैठा जो बास्केटबॉल टीम का प्लेयर है ना वो डर जाता है। उसे लगता है कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ उसे जेल में भी डाल दिया जाएगा। इसी डर से वो कार लेकर भाग जाता है। लेकिन जॉन जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है जिसके बाद जॉन को कोर्ट 20 साल की सजा सुना देता है। जेल में उसकी मुलाकात हैरी और होमर से होती है। साथ रहते उनके बीच ना अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान 1933 में जॉन की सौतेली माँ की मौत हो जाती है जिसके बाद उसे कुछ समय के लिए ना कोर्ट द्वारा बेल मिल जाती है। लेकिन उसने इस बेल का भी ना पूरा फायदा उठाया और बाहर आते ही बहुत सारे हथियार और असलमों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जेल में रहने के दौरान उसने अपना अच्छा खासा कॉन्टैक्ट वहाँ बना ही लिया था और उन्हीं सोर्सेस के जरिए ना उसने अपने दोस्त हेनरी और होमर के पास जेल में उन हथियारों को पहुँचा दिया जिसके बाद वो दोनों भी जेल से भागने में कामयाब हो गए और अब तीनों ने मिलकर ना एक गैंग बना दी जिसका नाम डिलिंजर गैंग था। उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी दुकानों को लूटा और लूटने के बाद बड़ी ही आसानी से वो वहाँ से फरार हो जाते थे। उनकी इस लूटपाट से ना सरकार और नागरिक दोनों ही परेशान थे। पुलिस काफी समय से जॉन डिलिंजर की इस गैंग को ना पकड़ना चाह रही थी लेकिन हर बार वो लोग बच निकलने में कामयाब हो जाते थे। अब ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI को सौंपा गया। पहले तो FBI ने जॉन को पब्लिक एनिमी नंबर 1 का खिताब दे दिया और फिर जॉन को पकड़ने के लिए ना अपने सोर्सेस को लगा दिया। उन्होंने जॉन की वाइफ के दोस्त से कॉन्टैक्ट किया जिसके जरिए उन्हें ये पता चला कि जॉन और उसकी वाइफ 22 जुलाई 1934 को मूवी देखने जाने वाले हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पुलिस भी वहां पहुंचती है। जॉन शाम को अपनी वाइफ के साथ जब मूवी थिएटर से बाहर आता है तो सामने खड़ी पुलिस मौका देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर देती है और बस इसी तरह अमेरिकन पब्लिक के इस एनिमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि इस बार KGF 3 में सुपरस्टार यश जॉन डिलिंजर का ही किरदार निभाते नजर आएंगे और फिल्म में उन्हीं की कहानी को दर्शाया जाएगा। और ऐसी ही एक माफिया की स्टोरी से इंस्पायर्ड होगी KGF 3 की स्टोरी और आज की हमारी ये कहानी यहीं होती है खत्म। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं पूर्णिमा लेती हूँ अब आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच में अधीरा ने करवाया था गरुड़ा पर हमला, कौन था KGF का असली विलेन, किसकी वजह से हुआ था KGF तबाह। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करिए इससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठा लीजिए। तो दोस्तों अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर।
KGF चैप्टर 2 में सबसे बड़ा विलन अधीरा को बताया गया है, लेकिन KGF चैप्टर 2 में सबसे बड़ा विलन अधीरा नहीं था, कोई और ही था, और अगर रॉकी उसे पहचान लेता तो रॉकी और KGF कभी खत्म नहीं होते। तो कौन है वो असली विलन KGF का, हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि अधीरा कौन था। आपको बता दें दोस्तों कि अधीरा सूर्यवर्धन का भाई और गरुणा का चाचा था। वो बहुत शक्तिशाली और निडर भी था, और अधीरा का ऐसा बनने का कारण वाइकिंग्स थे, क्योंकि वो बचपन से ही वाइकिंग्स का फैन था। इसीलिए वो वाइकिंग्स कबीले की क्रूरता और नीति को अपना करके ताकतवर बन गया था, और इसीलिए अधीरा का लुक भी वाइकिंग्स से ही इंस्पायर्ड था। खैर, अधीरा चाहे कितनी भी ताकतवर बन जाए, लेकिन वो अपने भाई के लिए बहुत ही ज्यादा ईमानदार था दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें कि इसीलिए सूर्यवर्धन को जब KGF मिला था, तब अधीरा ने सूर्यवर्धन को काफी हेल्प की। वो लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर लाता और KGF में माइनिंग करवाता था, और जो कोई भी उसके या उसके भाई के खिलाफ जाने की कोशिश करता, उसे अधीरा अपनी तलवार से चुप करवा देता था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दया नाम का वर्ड तो अधीरा को बिल्कुल भी पता ही नहीं था। ये हम अधीरा के फेस टैटू से देखकर ही समझ सकते हैं, मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अधीरा कौन था और कैसा था। वो ताकतवर और लाशों का ढेर लगाने वाला खूंखार जरूर था और गुंडा भी था, पर वो अपने भाई सूर्यवर्धन के लिए बहुत ही ज्यादा ईमानदार यानी ऑनेस्ट था। अब सवाल यहाँ ये आता है कि क्या सच में उसने गरुणा पर हमला करवाया था? तो दोस्तों, इसका जवाब है ना, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं भाई, हम सब ने देखा था ना कि जब सूर्यवर्धन बीमार पड़ा हुआ था, तब सूर्यवर्धन कहता है कि अधीरा को चालाकी और गद्दारी नहीं आती, इसीलिए वो काफी पीछे रह गया। तो जैसे ईमानदारी से उसने अपने भाई का साथ दिया था, वैसे ही अब वो गरुणा का साथ देगा। तो यहाँ अधीरा ने भी एक शब्द बोले बिना अपने भाई की बात चुपचाप मान ली। तो ऐसे कह सकते हैं कि वो अपने भाई के लिए बहुत ही ईमानदार था। तो कैसे वो अपने भाई को दिया वादा तोड़कर गरुणा पर हमला करेगा, बताओ? तो अब सवाल आता है कि कौन था जिसने गरुणा पर अटैक किया, और जब गरुणा ने अधीरा पर अटैक किया तो अधीरा वहां से कैसे बचा? तो देखो, जब से सूर्यवर्धन बीमार पड़ा था, तब से एक पाखंडी चोरी चुपके अपनी चाल चल रहा था, और किसी को भी इसकी खबर नहीं थी, और वो है गुरु पांड्यन। जी हाँ दोस्तों, हमने तो पहले ही कहा था कि ये भाई साहब भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं है। सूर्यवर्धन गरुड़ा को KGF का सिंहासन देते ही गुरु पांड्यन गरुड़ा के ऊपर अटैक करवा देता है और सारा इल्जाम अधीरा के ऊपर लगाता है, जबकि अधीरा को तो इस बात की खबर तक नहीं थी, कोई भनक ही नहीं थी इसको। और फिर गरुणा भी भड़का और उसने अधीरा के ऊपर हमला करवाया, और यहां पर गुरु पांड्या ने वापस से अपनी चाल चलते हुए अधीरा को पहले ही कार से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना कि किसने करवाया था गरुणा पर हमला, और अधीरा अभी तक जिंदा आखिर कैसे था। पर एक बात समझ नहीं आ रही है कि इतनी चाल चलने के बाद भी गुरु पांड्यन को मिला क्या, सिर्फ गोली? रॉकी खुल्लम खुल्ला पार्लियामेंट में आकर रमिका सेन के सामने उसे मार करके आ गया, और गुरु पांड्यन ने इतना ही नहीं और भी कई सारे खेल खेले हैं, जैसे रॉकी के बारे में एंड्रयू को बताकर उसे KGF में भेजना, KGF में गरुड़ा को मारने के बाद अधीरा को बुलाना, और KGF के अंदर छुप करके घुसने का रास्ता तक बताना। मतलब ये है दोस्तों कि अधीरा तो यूं ही बैड नेम बना हुआ है, जी हाँ, मतलब बदमाश बना हुआ है, बदनाम हुआ है, और असली खिलाड़ी तो गुरु पांड्यन है, जिसकी वजह से अधीरा और गरुड़ा को बीच में उसके दरार आ जाती है। और आपको बता दें कि इसी की वजह से रॉकी KGF में आया, और इसी की वजह से अधीरा वापस KGF के अंदर गया, मतलब सारे कांड का मास्टरमाइंड गुरु पांड्यन ही था। तो अब सवाल आता है कि क्या सच में अधीरा को KGF का लालच था? तो जवाब है नहीं, अधीरा को KGF का कोई लालच नहीं था, क्योंकि अगर उसने KGF का लालच उसके अंदर होता तो वो खुद गरुड़ा पर हमला करता और उससे ऐसे छीन लेता तुरंत, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद जब गरुड़ा ने उससे उस पर हमला करवाया, तब भी उसने गरुड़ा पर हमला नहीं किया और खुद ही अंडरग्राउंड हो गया।
अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि जब गरुणा को लालच नहीं था तो अधीरा क्यों केजीएफ में आया। तो इसका जवाब है